गुड इवनिंग साथियों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस मिशन एंटोमोलॉजी 2021। आपका इस मिशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एंड हल्दर जो प्लेटफॉर्म है उदयपुर, उसकी ओर से भी आपका मैं स्वागत करता हूं और विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड डे ऑफ द डेमो। और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द डेमो क्लास एंड सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव रिक्वेस्टेड अस द रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द क्लास फॉर द थ्रू द एप्लीकेशन। ओके, सो रजिस्टर्ड कैंडिडेट ने हमसे पूछा है कि हम किस टाइप से वहाँ पे लाइव क्लास रहेंगे, तो ये आपको ही बताना है। आप जो हमारे ग्रुप दिए गए हैं उसमें आप कब फ्री रहेंगे। बिल्कुल अभी जैसे 6 से 8 के बजे के बीच में जो हम ये कैंपेन लेके आए हैं, तो इसमें कुछ लोग बिजी रहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यू विल फाइंड द टाइम अकॉर्डिंग टू यू सो दैट वी कैन कम विद द सेम टाइम। सो आप ये हमको ग्रुप में बता देना कि कब आप फ्री रहेंगे, सो हम आपके लिए लाइव सेशन वहाँ पे चलाएंगे। ओके, एंड रिगार्डिंग कंटेंट्स, बार बार रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हमसे कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि कंटेंट आपका कब होगा। हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, परचेज भी कर लिया है, बट हमारा कुछ कंटेंट वहाँ पे नहीं है। तो जो हमने ये जो 3 दिन का जो रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव सेशन के, ये वहाँ पे अपलोड किए हैं और एज वेल एज इनका PDF वगैरह भी वहाँ पे अपलोड किया है। और अभी हम इस डेमो क्लासेस के ऊपर पूरा हमारा फोकस था, तो आपके ऊपर जो फोकस हमारा कल से रहेगा क्लास का, तो कल से हमारे सारे जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल एज आपके साथ हमारा जो लाइव इंटरेक्शन होगा वो वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं और जो मॉडल पेपर्स वगैरह हैं वो भी सारे वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध होना लग जाएंगे, यानी आज शाम से ही वहाँ पे आपके लिए वो अवेलेबल होने लग जाएंगे। ओके, एंड लाइव क्लास का आप ज़रूर हमको बताना कि कब हम लाइव क्लास लेके आपके लिए आएँ। उसमें हम आपके लिए रिविज़न डाउट्स, योर एनी ऑफ द डाउट्स रिविज़न, क्विक रिविज़न और जो कॉम्प्लेक्स थिंग है विल डिस्कस दोज ऑल थिंग्स। सो प्लीज़ यू जस्ट मैंसन द टाइम इन विच टाइम यू विल बी अवेलेबल फॉर दैट। और अगर कुछ जैसा कि किसी ने बताया था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम का टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम है एग्ज़ाम का, आप तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग द लाइव सेशन, तो वो जो सारे रिकॉर्डेड वीडियो या फिर जो लाइव इंटरेक्शन जो हमारा रहेगा वो वहाँ पे सेव रहेगा आपके लिए। सो लेटर यू कैन सी एनी टाइम यू कैन सी दोज वीडियो और आप उनको मेनी टाइम्स इवन यू कैन रिवाइज देम और ऑल द कंटेंट जो मिलेगा आपको वो भी वहाँ पे आप देख सकेंगे। और इसके लिए आपको लेकिन वो परचेस करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन, और जो कोर्स आप रिस्पेक्टिव कोर्स जो आप ले रहे हैं और वो उसी के अंदर अवेलेबल रहेगा। मीन्स यू कैन नॉट ओपन दैट विदाउट रजिस्टर्ड और विदाउट परचेसिंग। सो आज हम इस क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कमेंट्स चैट इज डिजिबल फॉर दिस लाइव, कमेंट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ओके, आई विल सी द कमेंट्स। सर इधर ना कमेंट्स नहीं दिख रहे। सो कमेंट्स मैं आपके रीड नहीं कर पाया, यहाँ पे जो डिसेबल था सिस्टम। सो नाउ आई एम रीडिंग द कमेंट्स। रविंद धाकड़, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी को मैं गुड इवनिंग कहूँगा। और नाउ विल डिस्कस अबाउट आवर मिशन। इसका मार्कर so regarding our course already we
told you all of the things. So our what is the aim and how we are doing this, you all already know. And what are the prize and all other things for this course. So now we'll discuss. Good evening again to all of you. Saroj Jat, Harsh Purohit, thank you. So now let's start with the first question of entomology, and just comment your answer. So what is the answer? Ujala Gaur, good evening, very good evening. So please answer. So this is the siphoning type of mouth parts is a modification of. So siphoning type of mouth parts जो है किसका modification होता है? Lacinia of maxillae. Journey of life ने सबसे पहले C answer दिया है. और glossa of labium, galea of maxillae और paraglossa of labium. So comment your answer very fast. Only one candidate given the comment. Yeah, Kamal Hayar, C option. Saroj, C option. Ajmal, C option. Aishwarya Munda, C option. So most of the given correct answer. This one is the correct answer. Galea of maxilla. So maxilla, one of the part is there. Likewise, okay. Likewise, this is the part of maxilla, and this one is the galea modification. Okay. So this is the called proboscis and siphoning type of mouth parts. Siphoning type of mouth parts, and it is present in Lepidoptera, butterfly and moth. Adult butterfly. एंड मौत में ही ये प्रेजेंट रहेगा, लार्वी में ये प्रेजेंट नहीं रहता है. और इस टाइप से ये जो प्रोबोसिस बनती हैं, ओके, कॉइल्ड प्रोबोसिस होती हैं ये, और जो कि एक पार्ट से बनती हैं मैक्सिली के, जो मैक्सिली में गेलिया एंड लेसिनिया टू पार्ट्स होते हैं. सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द गेलिया फ्रॉम मैक्सिली, सो दिस इज कॉल्ड साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फिजर्ड और क्लेफ्टेड विंग्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली. सो नाउ यू हैव टू गिव दिस आंसर. फिजर्ड और क्लेफ्टेड विंग्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? गैलिचिडी, नॉक्टिडी, प्लूटेलिडी और टेरोफोरिडी. सो नाउ यू प्लीज गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर करिए फटाफट. किसका कमेंट फर्स्ट आ रहा है देखते हैं. जर्नी ऑफ लाइफ, डी आंसर, वेरी गुड. सरोज झा, डी आंसर. निथन कुमार, डी. मुकेश, डी. अजमल, डी. सो मोस्ट आपका जो आंसर है वो डी है, टेरोफोरिडी. ओके, जो टेरोफोरिडी एक फैमिली होती है लेपिडोप्टेरा की. द लेपिडोप्टेरन फैमिली विच पोजेस द फिजर्ड और क्लेफ्टेड टाइप ऑफ विंग्स, एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन लाइक दैट यू विल गेट इन दैट फैमिली. फिजर्ड और क्लेफ्टेड टाइप ऑफ विंग्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट. मतलब ये कटे फटे विंग्स होते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है फोर विंग, दिस वन इज अ फोर विंग एंड दिस वन इज हाइंड विंग. ओके, बट दीज आर द मॉडिफाई लाइक वाइज. ओके, लाइक वाइज मॉडिफाई जो टू होता है यहाँ पे. ओके, इस टाइप से ये फर्स्ट विंग मॉडिफाई हो जाता है, एंड रिमेनिंग जो ये है थ्री, इनमें मॉडिफाई हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं फिजर्ड और क्लेफ्टेड टाइप ऑफ विंग्स. एंड दिस इज प्ल्यूम मॉथ. इंपॉर्टेंट है ये प्ल्यूम मॉथ, बिकॉज ये जो पल्सेस होती हैं, ओके, वहां पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको ध्यान रखना है. रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस by seeing this picture. Next question, Arista in house fly emerge from. Arista जो होता है house fly में, वो किस part से emerge जो होता है? Okay, so your option is scape, pedicel, flagellum or all of the above. So please answer for this.
किसका आंसर आने वाला है सबसे पहले? आंसर प्लीज। कमल हेयर सबसे पहले, इन्होंने फ्लेजिलम दिया है, सी आंसर। रवि सी आंसर। अन्नू सी आंसर। जर्नी ऑफ लाइफ बी आंसर। ऐश्वर्या मुंदा सी ऑप्शन। अजमल हैरिस सी ऑप्शन। अमित कुमार सी ऑप्शन। मनीष गडेकर बी ऑप्शन। सो मोस्ट आपने जो दिया है क्वेश्चन का आंसर जो है फ्लेजिलम, बट सम ऑफ द गिवन बी ऑप्शन, सो जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। सो इनका क्या है, कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, इसलिए इसके लिए मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, बिकॉज आई नो दैट वेयर यू कैन गेट द प्रॉब्लम इन गिविंग आंसर, आई नो वेरी वेल। सो आई हैव टेकन दिस पिक्चर, दिस इज द हाउस फ्लाई एंटीना, दिस पार्ट इज द स्केप, हियर पेडिसेल, और दिस वन इज फ्लेजिलम एंड हुक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो हियर हेयर यू कैन फाइंड, एंड दिस कॉल्ड एरिस्टा, ओके। एरिस्टा यहाँ पे होता है इस टाइप से, यहाँ पे एरिस्टा होता है, और दिस एंटीना इज नोन एज एरिस्टेड टाइप ऑफ एंटीनी। सो यू शुड रिमेंबर दिस, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बिकॉज यहाँ पे जो एरिस्टा है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेजिलम से इमर्ज होता है। देखिए यहाँ पे पेडिसल और स्केप से ये इमर्ज नहीं होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। एनिलिडा जो फाइलम है संघ, और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन होता है? अरेक्निड्स, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, ओनाइकोफोरा। सो प्लीज कमेंट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी आंसर इज गिवन बाय फर्स्ट जर्नी ऑफ लाइफ, सरोज जाट, रवि, आशीष, यशपाल, ऐश्वर्या, अर्षित, अन्नू, सबका ग्रेट इफर्ट सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र अमेटा, ऐसे ही आप हमको इनकरेज करते रहिए, ओके। सो दिस वन जो है इसका आंसर सही है यहाँ पे, ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा जो होता है इसकी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस ऑर्थोपोडा एंड एनिलिडा, एंड यहाँ पे आपको ओनाइकोफोरा के बारे में समझना होगा, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, वन ऑफ द क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा पेरिपेटस, जो कि वेल्वेट वर्म होते हैं, इस टाइप से इनका लुक्स होता है, देखिए ये इस टाइप से, और इनका एंटीनी इनके पास प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ द एंटीनी फाउंड, ओके, एंड बॉडी एंड लेग्स, इस टाइप से इनका ये होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है एंसेस्टर हैं इंसेक्ट के, ओके, ऐसा भी माना जाता है, और सिम्फाइलन थ्योरी, ओनाइकोफोरा इनकी भी जो थ्योरी, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं हम ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्लोजली रिलेटेड टू एनिलिड्स होते हैं, बट आते कहाँ हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर, इसलिए हम इनको बीच की एक कड़ी मानते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंबर और ब्लू कलर एक्स आर लेड बाय, अंबर और या ट्रिक भी दिया है इन्होंने, डबल ए ओ, कमल हायर हैज गिवन ट्रिक ए ए ओ, सो आर्थोपोडा, एनिलिडा एंड ओनाइकोफोरा, सो यस ऑफकोर्स यू कैन रिमेंबर। पूजा सूर्यवंशी, नाइस सर जी, थैंक यू पूजा। आशीष राउत, वेरी नाइस क्लास, ओके, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मोनिका शर्मा, नाइस, वेरी गुड, नाइस सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट आपका सबसे पहले अमित का आंसर आया है, अमित कुमार गिवन सी आंसर फॉर दैट, रवि सी आंसर, ऐश्वर्या मुंदा सी आंसर, ओके, जल्दी कमेंट करिए। जर्नी ऑफ लाइफ, आज जर्नी ऑफ लाइफ ने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, और ये कंटिन्यूअसली गिविंग द राइट आंसर, सो ही इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सरोज जाट सी,
ओके सो यहाँ पे मोस्ट आपने दिया है आंसर स्पॉटेड बोलवर्म, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड हियर यू कैन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर कैन आस्क इन द एग्जाम. सो दिस टू स्पीसीज इज देयर इन स्पॉटेड बोलवर्म. सो दिस इज द स्पॉटेड बोलवर्म एंड आयरिस इंसुलाना, दिस इज स्पाइनी बोलवर्म. ओके सो डिफरेंस समटाइम आस्क इन एग्जाम. सो हियर सी व्हाइट बैंड्स आर देयर एंड दिस ग्रीन बैंड इन बिटवीन द फोर विंग. सो व्हाइट एंड ग्रीन बैंडिंग इज देयर एंड इन आयरिस इंसुलाना कंप्लीट विंग इज ग्रीनिश कलर. सो दिस इज द डिफरेंस इन एग्जाम मेनी टाइम इट इज ऑल्सो आस्क्ड. एंड दिस इज द अंबर कलर एग. ओके सो अंबर कलर एग होते हैं ये, इस टाइप से इनके द्वारा लेग किए जाते हैं. और जो इसका जो लार्वा होता है इट इज रिजेंबल लाइक बर्ड ड्रूपिंग. ओके सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड ड्रूपिंग. जो इसकी जो बर्ड्स की जो विस्टा होती है बीट उसके द्वारा जैसा ये लगता है जब ये सिट्रस प्लांट पे सॉरी इनके कॉटन में होते हैं ये, इवन इन ओकरा ऑल्सो इट फीड्स. एंड इसका जो सिम्टम होता है इस टाइप से फ्लेयर्ड स्क्वायर. सो दिस ऑल क्वेश्चन कैन कवर फ्रॉम दिस स्लाइड, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए. स्टर्नोकीटस मेंजीफेरा फीड्स ऑन, स्टर्नोकीटस मेंजीफेरा है किसके ऊपर फीड करता है ये आपको बताना है. सो किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है? प्लीज गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जर्नी ऑफ लाइफ ने डी आंसर किया है, रवि डी आंसर, डॉक्टर एम के महिला डी आंसर, ऐश्वर्या मुंदास डी आंसर, सरोज झा डी आंसर. महिला सर का थैंक्स यहाँ पे, ये इन्होंने हमको इनकरेज किया है. डॉक्टर एम के मेला सर, अजमल हरीस कोटिलिडंस, मनीष गडेकर डी. सो मोस्ट आपने दिया है यहाँ पे करेक्ट आंसर. ओके सो स्टर्नोकीटस मेंजीफेरस फीड्स ऑन, सी दिस यू कैन सी मैंगो नट विविल, और इसको स्टोन विविल भी बोलते हैं. मैंगो नट विल आल्सो कॉल्ड स्टोन विविल. स्टर्नोकीटस मेंजीफेरी इट इज द मोनोफेगस पेस्ट ऑफ मोनोफेगस पेस्ट है ये. ओके मैंगो का एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, कुरकुलियोनेटी फीमेली है. और देखिए ये जो मैंगो का जो कोटिलिडन होता है ये यहाँ पे खाता है. ओके सो जो मैंगो की जो सीड होते हैं उसके अंदर फीड ये करता है और वेरी मच इंपॉर्टेंट पेस्ट है. और इवन क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का भी पेस्ट है ये. एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी को ये खराब करते हैं बिकॉज दिस ग्रस विल फीड इन साइड द मैंगो फ्रूट एंड वेन यू एक्सपोर्ट द मैंगो सो देयर द एक्सपोर्ट इज ऑल्सो prohibited sometimes. So this is very much important. Okay. So next question. Epiproct is a part of. Epiproct is a part of which and serious pest of mango nut weevil. Yeah, of course, Kamal Haiyar, ye serious pest hai. Epiproct is a part of. Epiproct is a part of head, wing, thorax, abdomen. So please give the answer for this question. आशीष राउत थैंक्स अलोट, आपका भी बहुत थैंक्स आशीष, आप हमको इनकरेज कर रहे हैं इस टाइप से आप जुड़ रहे हैं. ओके रवि गिवन डी आंसर, अमित कुमार डी, जर्नी ऑफ लाइफ डी, आशीष डी, डॉक्टर एम के महला सर डी, अन्नू डी, मोहम्मद मोनिस डी. सो यहाँ पे सबका आंसर जो है करेक्ट आया है एब्डोमन. सो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एपिप्रोक्ट जो होता है एब्डोमन का पार्ट होता है, जो ये जो होता है लास्ट सरसाई जो होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से इसको भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ एन इंसेक्ट नर्व. रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ एन इंसेक्ट नर्व इज प्लस 70 मिली एमवी, इसको भी आपको याद रखना है मिली वोल्ट्स. ओके दिस यूनिट इज देयर इन मिली वोल्ट्स, समटाइम कैन आस्क. ओके सो रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ एन इंसेक्ट नर्व इज विच टाइप, यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दैट.
please comment. Ravi has given B answer. Annu B, Journey of Life B, Ashish B, Mohammad Monis B answer, Vijay Kumar B, Saroj Jat B, Aishwarya Mundas B. So most have given B answer. Okay, but sometime this option can be very similar. So आपको ध्यान रखना है कि ये minus है या plus है. So you have to remember. Okay, minus 70 millivolts जो इसका होता है. Next question, which is not a secondary paste of storage. Which is not a secondary paste of storage. Deepak Vyas, the way of your teaching is amazing. Thank you very much, Deepak, for your encouragement. Which is not a secondary paste of storage? Saw-toothed grain beetle, groundnut beetle, flat grain beetle, long-headed grain beetle. So, please give the answer for this question. Jayan Talavar ne answer diya hai. Sabse pehle B. Journey of Life has given C. Mohammad Monish B. Ashish B. Aishwarya B. Amit Kumar B. Vijay Kumar B. Ashish B. So, abhi Journey of Life ne answer galat diya hai is question ka. Groundnut beetle iska sahi aayega. Yahan pe pucha gaya hai not. Which is not a secondary paste of storage. Okay. So, this is groundnut brochet jo hota hai wo primary paste hai. एंड सेकेंडरी पेस्ट जो होते हैं वो जो प्राइमरी पेस्ट के द्वारा जो खाए जाते हैं उनको वो खाते हैं. ऑलरेडी ब्रोकन ग्रेन्स पे फीड कर रहे हैं. और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी पेस्ट के लिए. जो सेकेंडरी पेस्ट होते हैं हमारे, उनके लिए हमारे पास यहाँ पे टीक हैं. ओके, आप सभी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप सफल हो जाएं एग्जाम के लिए. आप सभी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप सफल हो जाएं. तो आपको ये सफल, ये तीन ट्रिक याद रख, ये तीन जो नाम याद रखना है आपको. ओके, सफल, सफल मीन्स हियर आई एम सेलेक्टिंग दिस सा टूथ्ड ग्रेन बीटल. ओके, सो एस एंड फ्लैट ग्रेन बीटल एंड लॉन्ग हेडेड ग्रेन बीटल. सो आपको सफल होना है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. ओके, एंड वन मोर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ. सो एक आता है रेड फ्लोर बीटल. रेड फ्लोर बीटल जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के अंदर आएगा. ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, बट दीज आर द कंप्लीटली सेकेंडरी पेस्ट. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है. ओके, इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक्स आपको. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर स्ट्रेटजीज इंसेक्ट हैव विच टाइप ऑफ एबिलिटी? लो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, लो सर्वाइवल और हाई सर्वाइवल. सो प्लीज गिव आंसर फॉर दैट. प्लीज कमेंट योर आंसर. तलावार, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है बी. चिरासानी नागरानी आज शायद ये लेट जुड़े हैं. आई थिंक शी ज्वाइंड लेट टुडे बट गिविंग आंसर बी. अन्नू बी, कमल बी, विजय कुमार बी, आशीष बी, मोहम्मद मोनिश बी, अमित कुमार बी, उजाला गौर बी, अजमल हरीश बी. सो मोस्ट ऑफ गिवन बी आंसर, हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो होता है आर स्ट्रेटजी और एक के स्ट्रेटजी. टू टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, एक वन इज द आर स्ट्रेटजी इंसेक्ट एंड के स्ट्रेटजी उनमें होती है. जो एनिमल, सॉरी एनिमल जो होते हैं टू टाइप्स के होंगे, एक तो आर और एक जो होंगे के. तो आर जो होंगे वो हाई रिप्रोडक्टिव उनकी एबिलिटी होती है, वो के होते हैं वो लो हाई सर्वाइवल. सॉरी, ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं, लो रिप्रोडक्टिव होगी तो इनकी क्या होगी, हाई सर्वाइवल होंगी. ठीक अपोजिट है. अब इनका क्या है, हाई रिप्रोडक्टिव है तो ये कैसे होंगे, ये होंगे लो. ओके, सो इनका जो सर्वाइवल होगा लो होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, कुसुमी स्ट्रेन इज नॉट रिलेटेड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमी स्ट्रेन नॉट रिलेटेड टू लेक जेठवी अगहनी केतकी.
प्लीज गिव योर आंसर. डी तलावार का डी आंसर है. सरोज सी आंसर दिया इन्होंने. अमित कुमार डी, नितिन डी, रवि डी. आई थिंक सरोज जाट ने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली इन्होंने आंसर कर दिया है. मोहम्मद ऐश्वर्या मुंदास डी. सबका जो आया है डी आंसर आया है केत की. ओके सो कुसुम इज नॉट रिलेटेड टू बिकॉज जेठवी और जो अघनी है दीज आर द टू स्ट्रेंथ फॉर कुसुमी एंड लेक बिकॉज इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द लेक सो इट इज रिलेटेड टू लेक. ओके बट द केतकी इज रिलेटेड टू बैसाखी सॉरी रंगीनी यहां पे आएगा. केतकी इज रिलेटेड टू रंगीनी स्ट्रेन. कल हमने इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ा था. नेक्स्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सेंटीपीड. टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है सेंटीपीड्स जो होते हैं उनके द्वारा किस टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है. HCl, HCN, कैंथेरेडिन और बेंजोक्विनोन. सो पुट योर आंसर फास्ट हियर. सो विच आर द टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंटीपीड्स. यस ट्रिक्स आपको आप बोल रहे हैं ट्रिक वो भी अच्छा है बट हमने कल डिस्कस कर लिया है उसके बारे में. मोहम्मद मोनिस बी, जी रवि बी, नागरानी बी, अमित कुमार बी, मोहम्मद मोनिस बी, सरोज जाट बी, ऐश्वर्या मुंदास, HCN. सो मोस्ट ऑफ द गिवन आंसर बी. वेरी गुड. इन सब का आंसर सही है. सेंटीपीड जो होते हैं वो आपके काइलो जो पोडा होता है एक क्लास होती है उससे बिलोंग करते हैं ये. ओके एंड वन मोर थिंग हियर. कैंथेरेडिन आल्सो प्रोड्यूस बाय ब्लिस्टर बीटल. ओके एंड दिस बेंजोक्विनोन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉम्बार्डियर बीटल. ओके सो दिस अदर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अदर इंसेक्ट सो देट ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड यू हैव टू रिमेंबर फॉर देयर डिफेंस पर्पज दे जस्ट सीक्रेट द सम काइंड ऑफ केमिकल. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ICZN ओडिया इज फॉर विच क्लास विच कैटेगरी फैमिली सब फैमिली सुपर फैमिली और जीनस. प्लीज गिव योर कमेंट फास्ट. Who is giving the fast answer? Means she or he is reading very well and confident. जल्दी से बताइए फटाफट. Hot HCl treatment. कमल हायर पता नहीं क्या पूछना चाहें. ओके मोहम्मद सी मोनिज ने इसका आंसर किया है सी. रवि सी. अमित कुमार सी आंसर. नितिन कुमार सी. नागरानी सी. जर्नी ऑफ लाइफ सी. सरोज जाट सी. सबका आंसर सुपर फैमिली आया है. वेरी गुड यू हैव गिवन गुड. ओके सो हियर यू हैव टू सी दैट आइडिया फैमिली. ओके और दिस वन सब फैमिली इनी. ओके एंड जीनस. जीनस तो आप जानते ही हैं. ओके वन मोर ट्राइब. ट्राइब इज इनी. ओके सो लाइक दैट कैटेगरी इज गिवन बाय ICZN जो कि फैमिली के पीछे जो लिखा जाता है वो चार डिजिट आइदर सुपर फैमिली आइदर सब फैमिली आइदर फैमिली के पीछे के जो चार डिजिट होते हैं या चार लेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होगा इनका एक इनकी क्राइटेरिया रहेगा. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. इको फ्यूम्स. इको फ्यूम्स इज अ मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ इको फ्यूम्स इज अ मिक्सचर ऑफ Which chemical? Please give your answer. Very much important question. Many time asked. Okay. In NET also it is asked during 2019. So very much important question hai ye. Eco fumes is given mixture of. Eco fumes jo hota hai kiska mixture hota hai. Ye aap bataiye yahan pe jaldi se. बहुत टाइम लग रहा है. आई थिंक आप पढ़ नहीं रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अर्लियर. जल्दी बताइए आपका कमेंट फास्ट. गिव योर कमेंट फास्ट.
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। अमित कुमार बी, अमित कुमार ने बी ऑप्शन दिया है फर्स्ट। सबसे पहले ऐश्वर्या मुंदा सी ऑप्शन, नितिन कुमार डी बी ऑप्शन, मनीष गडेकर ए, अजमल बी, मोहम्मद बी, सबका जो है आंसर आ चुका है मोस्ट आपका, और सबका जो आंसर है ये गलत है। ओके, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इको फ्यूम्स, ये फ्यूम्स टाइप का एक क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, एंड इट इज यूज्ड इन द स्टोरेज ग्रैन पेस्ट मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोरेज ग्रैन पेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन होता है, और इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। 98% इसमें CO2 रहेगा एंड 2% इसमें रहेगा फॉस्फिन। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया ICER की एग्जाम में, सो यू हैव टू रिमेम्बर। उजाला गौर ने भी बी आंसर दिया है, गलत है। ओके, सो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड इनेक्टेड, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड इनेक्टेड इन विच ईयर, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में आप एड कर लीजिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट है, कब इनेक्टेड किया गया था। कम ऑन, गिव गिव द आंसर फास्ट। रॉक स्टार राहुल स्टेलिंग स्माइल किस लिए आई, आप सब जुड़े हैं इसलिए स्माइल आती है हमारे चेहरे पर। ओके, सो ऐश्वर्या मुंदास 1968, कमल डी, सरोजा डी, सो मोस्ट ऑफ गिवन आंसर डी। ओके, गुड, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। यू हैव टू रिमेम्बर इनेक्टेड पास्ड और इम्प्लीमेंटेड। आपसे कुछ भी पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सारा जो है ये 1968 आएगा, बट 1971 यहाँ पे केम इनटू फोर्स, सो दिस इज द इंसेक्टिसाइड एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। वो कार्यरत कब हुआ, मतलब केम इनटू द फोर्स कब से इसका काम स्टार्ट हो गया था, 1971। सो बहुत आंसर और बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखना है, बहुत वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इसको याद कर सकते हैं, पाई, पाई याद कर सकते हैं आपको, PIE, पास्ड इनेक्टेड इंप्लीमेंटेड एंड इनेक्टेड। ओके, पाई एक मूवी भी है, सो आपको अच्छे से इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट सेशन विल हैंडल बाय माय कलीग डॉक्टर केसी अहिर सर, सो आई वेलकम केसी अहिर सर, सो प्लीज कम एंड हैंडल द सेशन। ओके, थैंक यू, आई विल कम बैक विद निमेटोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है आज की अपनी क्लास में। शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यस, पुश पुल स्ट्रेटेजी इज वेल एक्सप्लॉयटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। पुश पुल तकनीक जो है किसके लिए प्रभावी रूप से उपयोग में ली गई है। ऑप्शन इज सोयाबीन गर्डल बीटल, सुगर कैन टॉप बोरर, मैज स्टेम बोरर और सेफलॉर एपिड। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द राइट आंसर। यस, पुशपुल टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम और सक्सेसफुली यू कैन से यूज्ड फॉर, यस, मोहत मोनिस गिविंग आंसर सी, रवि आल्सो गिविंग आंसर सी, यस, योर आंसर इज राइट। पुशपुल टेक्निक वो सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द मेज स्टेम बोरर।
in which push means it act as a repellent, which act as a repellent, or for the repellent we use the desmodium. Desmodium is used for the repellent, and pull means the attractant, or attractant we can use the Napier grass. पुश का जो अर्थ यहां पे निकलता है उसका अर्थ है उसको धक्का मारना यानी उसको रिपेल करना, और इसके लिए डेस्मोडियम नाम के प्लांट को काम में लेते हैं. और पुल का जो अर्थ निकलता है यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, और इसके लिए नेपियर ग्रास को काम में लिया जाता है. और इसको जो काम में लिया गया है मेज स्टेम बोरर के लिए, अफ्रीका में इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड किया गया है. यह अपन कह सकते हैं कि यह पुश पुल टेक्निक जो है मेज स्टेम बोरर के लिए काम में ली गई है. अभी वर्तमान में इसके ऊपर जो है फा के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है. फा के लिए भी इसको काम में जो है साइंटिस्ट के द्वारा ली जा रही है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई पुश और पुल का मीनिंग क्या हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रूट सकिंग मॉथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय. फ्रूट सकिंग मॉथ जैसा आप जानते हो ये कहां लगती है, सिट्रस में, सिट्रस के अंदर लगने वाली आपकी फ्रूट सकिंग मॉथ का जो इस केस में गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, हाउ वी कैन मैनेज द फ्रूट सकिंग मॉथ. व्हाट इज योर आंसर. Yes, Monit giving C. Yes, Journey of Life giving C. Yes, Amit Kumar also giving answer C. Nagarani also giving answer C. Kiran also giving answer C. Arun Kumar, Jart Saroj. Jart Saroj, Ajmal Harish. Yes, answer is right. नंबर थर्ड वन, दैट इज द बैगिंग ऑफ फ्रूट्स. बैगिंग ऑफ फ्रूट्स करके यस इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द अनार बटरफ्लाई. अनार बटरफ्लाई के लिए, वीराचोला आइसोक्रेट्स के लिए भी जो है अपन बैगिंग्स करते हैं फ्रूट्स की, और उससे अपन जो है अनार बटरफ्लाई का बचाव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर एस पेंटर इज नोन एज द फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस वॉज डेवलपिंग वीट रेजिस्टेंस कल्टीवर अगेंस्ट. वीट रेजिस्टेंस कल्टीवर के ऊपर जो आर एच पेंटर ने कार्य किया था वह कौन से पेस्ट के लिए किया गया था. ऑप्शन है आपके सामने, हेशियन फ्लाई, स्टेम बोरर, एफिड और सूट फ्लाई. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर. यस, अशोक गौर गिविंग आंसर सी. देन यस, अश्रित गिविंग आंसर ए. अमित कुमार गिविंग आंसर ए. यस, मोहसिन यस. गायत्री गिविंग अ. रवि आल्सो गिविंग अ. किरण इज अ. यस, योर आंसर इज राइट. हेशियन फ्लाई इज द राइट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन बी ए आई आर इज लोकेटेड एट चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और न्यू दिल्ली. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द राइट आंसर. यस, एन बी ए आई आर इज लोकेटेड एट चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और न्यू दिल्ली. यस, अमित कुमार सी, जर्नी ऑफ लाइफ सी. यस, अश्रित सी, किरण सी, नागारानी सी, जाट सरोज सी. यस, योर आंसर इज राइट. अशोक गौर आल्सो गिविंग आंसर सी. रवि आल्सो गिविंग आंसर सी. दैट इज बेंगलोर. कहां पे स्थित है यह, बेंगलोर में स्थित है. नेक्स्ट वन, एक सेफ ऑफ ओनियन थ्रिप्स. प्याज के थ्रिप्स के अंडे का जो आकार होता है वह कैसा होता है. जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा, इट इज अ सिगार सेफ, बॉट सेफ, किडनी सेफ और बैरल सेफ. यस यस, सोमिया गिविंग आंसर सी. हेमेंद्र सिंह आल्सो गिविंग आंसर सी. या यस, नागारानी यू आर राइट. अर्लियर इज नोन एज अ पीडीबीसी इन 1993. यस, हेमंत सिंह सी, जर्नी ऑफ लाइफ सी, रवि गिविंग अ डी. यस, एग्जैक्ट आंसर इज यूर ईयर सी, किडनी सेफ. किडनी सेफ, द एग सेप ऑफ द ऑनियन थ्रिप्स इज अ किडनी सेफ, एंड द सिगार सेप एग आर द सोरगम सूट फ्लाई.
सोरगम सूट फ्लाई जो होती है उसके अंडे का जो आकार होता है वह आपके सिगार शेप्ड का होता है। इवन डस्की कॉटन बग के एक जो होते हैं वह भी आपके सिगार शेप्ड के ही होते हैं। देन बोट शेप जो होता है आपका एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है, एनोफिलस जो मॉस्किटो होता है उसके जो एग होते हैं वह आपके बोट शेप्ड के होते हैं। देन बैरल शेप्ड की बात करें तो स्टिंक बग के जो एग्स होते हैं वे आपके बैरल शेप के होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ हेड माउथ पार्ट्स आर इन अ कंटिन्यूस सीरीज विद द लैक्स, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस, ऑफिस्टोग्नेथस, नन ऑफ दिस। इस कैसे किस प्रकार के मुखांग है जिसमें जो आपके हेड का जो किस प्रकार का है जिसमें मुखांग जो होते हैं पैरों के साथ होते हैं कंटिन्यूस सीरीज में रहते हैं वो आपके जो हेड टाइप होगा वो कौन सा कहलाएगा, ओरिएंटेशन उसका कौन सा होगा। यस, गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। यस, व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, गायत्री गिविंग आंसर बी, अश्रित गिविंग ए, अमित कुमार सी, जर्नी ऑफ लाइफ गिविंग सी, मोनिस गिविंग आंसर ए। यस, योर आंसर इज राइट, दैट इज द हाइपोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, और दैट इज अ प्राइमिटिव टाइप, प्राइमिटिव टाइप ऑफ अ हेड ओरिएंटेशन विच आर प्रेजेंट इन अ ऑर्थोप्टेरा, और यू कैन से ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप, इट इज अ ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप, एंड प्रोग्नेथस इज द कोलियोप्टेरॉइड टाइप, कोलियोप्टेरॉइड टाइप, एंड द ऑफिस्टोग्नेथस इज अ हेमिप्टेरॉइड टाइप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसमें जो होता है हेड का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, तो ऑर्थोप्टेरा टाइप, ऑर्थोप्टेरा टाइप के ग्रुप के अंदर जो होता है हाइपोग्नेथस होता है, एंड देन कोलियोप्टेरा के अंदर या कोलियोप्टेरा टाइप के अंदर प्रोग्नेथस होगा, एंड हेमिप्टेरा इज द ऑफिस्टोग्नेथस टाइप का हेड ओरिएंटेशन होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूटिकल फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ, क्यूटिकल जो होता है वह इनर लाइनिंग बनाता है कहां पर, फोर एंड हाइंडगट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रेकिया, ऑल ऑफ द अबव, और यू ऑल्सो नो द क्यूटिकल फॉर्म ऑफ इनर लाइनिंग दैट इज नोन एज द इंटीमा। यस, गिव योर आंसर इन विच टाइप क्यूटिकल फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ फोर एंड हाइंडगट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रेकिया, ऑल ऑफ द अबव। यस, जर्नी ऑफ लाइफ गिविंग आंसर डी। यस, जाट थ्रोज ऑल्सो डी, अनु इज डी, यस, रवि इज ए, यस, सोमिया इज गिविंग आंसर डी। यस, योर आंसर इज राइट, ऑल ऑफ अबव। इन सभी के अंदर जो होता है क्यूटिकल जो होता है इनर लाइनिंग, इट मीन द इंटीमा जो होती है वह प्रेजेंस होती है। अजमल हरीश का आंसर राइट है, हरमेंद्र सिंह यू आर राइट, यस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवेटर एंड डिप्रेसर मसल्स प्रेजेंट इन, या यू कैन से लेवेटर एंड डिप्रेसर मसल्स एसोसिएटेड विद, लेवेटर और डिप्रेसर मसल कहां होती है, दैट इज द फ्लेजिलम ऑफ एंटीनी, पेडिसल ऑफ एंटीनी, स्कैप ऑफ एंटीनी, बी एंड सी बॉथ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि लेवेटर और डिप्रेसर मसल जो होती है वह कहां पर होती है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यस, कृतिका, यस, ऑप्शन बी पर डाउट है इन्हें, कार्तिक, यस, अनु गिविंग आंसर डी, राकेश गिविंग आंसर डी, या कार्तिक गिविंग आंसर ए, रवि इज गिविंग सी, यस, नागारानी गिविंग आंसर डी। यस, इस केस में जो आपके आंसर आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं। यस, करेक्ट आंसर गिवन बाय द रवि, रवि गिविंग अ करेक्ट आंसर, और लेवेटर एंड डिप्रेसर मसल्स आर प्रेजेंट इन द स्केप, स्केप ऑफ एंटीनी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटीनी, दैट इज द बेसल सेगमेंट ऑफ एंटीनी हैविंग अ लेवेटर एंड डिप्रेसर टाइप ऑफ अ मसल्स, एंड इन केस ऑफ अ पेडिसल, पेडिसल हैविंग अ फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसर मसल्स, flexor and extension type of muscles are present in the pedicel part, and the flagellum there is a no type, or you can say the annuli is present in a flagellum. So it means the levator and depressor muscles are present in the scape, that is the basal part of the antennae. Your answer is the C, C1 is the right, not D. Yes, then the next question is the Wisman ring present in a which suborder of diptera,
डिप्टेरा के किस उपगण के अंदर जो होती है विस्मान रिंग उपस्थित होती है, और यू कैन ऑल्सो नोन एज द विस्मान रिंग इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ग्लैंड और विच फॉर्मिंग अ प्यूपेरियम इन अ डिप्टेरा। यस, विस्मान रिंग और रिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन अ विच सब ऑर्डर ऑफ डिप्टेरा? यस यस यस, व्हाट इज योर राइट आंसर? यस जॉर्ज सरोज, यस रवि इज गिविंग आंसर सी, यस राकेश इज गिविंग सी, यस यस योर आंसर इज राइट। विस्मान रिंग इज प्रेजेंट इन अ साइक्लोरफा, और यू एज यू नो साइक्लोरफा हैविंग अ फ्रूट फ्लाइज, ट्रू फ्लाइज और फ्रूट फ्लाइज comes under the cyclorrhapha, or in the Wisman ring the prothoracic gland PTG, prothoracic gland corpora alata corpora cardiaca, prothoracic gland corpora alata corpora cardiaca, ये तीनों ही जो होती है fused हो जाती है, आपस में मिल जाती है और एक ring का development करती है, वही आपकी Wisman ring के नाम से जानी जाती है जो cyclorrhapha में होती है, जिसमें आपकी tree flies जैसे fruit flies जो होती है वो आपकी इसके अंदर आती है। Then the next one is the yes Hemendra Singh giving a right yes secret the pupillum for the hardening hormone, yes very good, yes next one is the firebrax belongs to which insect order? Firebrax जो होता है वह कौन से कीट के गण से संबंध रखता है? That is the Coleoptera, Thysanura, Diplura और Columbola. Yes, give your answer in a comment box. What is the correct answer? Firebrax belong to the which insect order? Firebrax जो होता है वह कौन से कीट गण से संबंध रखता है? या यस व्हाट इज आंसर? यस गायत्री गिविंग आंसर बी, सैफ अली खान गिविंग आंसर ए, यस राकेश गिविंग अ बी, या रवि इज अ बी, कार्तिक इज अ बी, यस योर आंसर इज राइट। Firebrax belong to the insect order Thysanura, और Thysanura having also a silver fish. Most of लोगों को silver fish के बारे में ध्यान होता है, लेकिन आपको firebrax का भी ध्यान रखना है, यह भी आपके Thysanura के अंतर्गत ही आती है। Yes, Hemendra Singh, your answer is right. Jars Rose, yes, Anu, yes, Ajmal Harish, Nagarani, yes, answer is a B right. Then next one is the Lepidopteran insect evolved during. Lepidopteran जो कीट हैं उनका उद्भव कौन से समय के अंतराल में, कौन से समय में हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, कैम्ब्रियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, क्रिस्टेशियस पीरियड और यू कैन से डेवोनियन पीरियड। यस लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स आर इवॉल्व ड्यूरिंग अ विच पीरियड? यस जर्नी ऑफ लाइफ गिविंग आंसर ए, यस कार्तिक गिविंग आंसर डी, या अनु गिविंग आंसर बी, मोर ऑप्शन, रवि गिविंग आंसर सी, यस गायत्री आल्सो गिविंग आंसर सी, यस राकेश गिविंग आंसर सी, यस अभिजीत, यस सी, यस इस केस में आपका आंसर सी ही जाएगा, दैट इज द क्रिस्टेशियस पीरियड। क्रिस्टेशियस पीरियड के अंदर जो है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स का इवोल्वमेंट हुआ था। इसके साथ आपको और पता होना चाहिए जो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट और यू कैन से द फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवरिंग प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है वह भी क्रिस्टेशियस पीरियड के अंदर ही हुआ है, और उसी ड्यूरेशन के अनुसार, उसी क्रिस्टेशियस पीरियड के अनुसार अंदर ही जो आपके लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स भी जो है इवॉल्व हुए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन बात करें कार्बोनिफेरस की पीरियड की बात, तो कार्बोनिफेरस पीरियड के कैम्ब्राइन पीरियड के अंदर की बात करें तो कैम्ब्राइन पीरियड के अंदर आपके आर्थ्रोपोड्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए आर्थ्रोपोड्स आर द इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, आर्थ्रोपोड्स आर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जो है आर्थ्रोपोड्स का इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन अगर आपको पता है आर्थ्रोपोड्स जो है बहुत बड़ा फाइलम है, तो इसके अंदर इंसेक्ट का इवोल्यूशन कब हुआ होगा? तो इंसेक्ट का जो इवोल्यूशन हुआ है वह आपका डेवोनियन पीरियड के अंदर हुआ है। Arthropods are evolved during the Cambrian period, while in the insects are evolved during the Devonian period. और इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, आईडी, अपन आईडी प्रूफ बोलते हैं ना वैसे, आइडेंटिटी कार्ड, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो, insects are evolved during the Devonian period.
एंड देन वन मोर ऑप्शन, दैट इज द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर जो हो गए इंसेक्ट के अंदर विंग का डेवलपमेंट हुआ। किसका डेवलपमेंट हुआ? विंग का डेवलपमेंट हुआ, एंड विंड विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म जो था इंसेक्ट के अंदर विकसित हुआ, यह भी आपको बताना चाहिए। और लेट कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गई थी, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंट जो पीरियड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। Then the next question is the branchial chamber present in which suborder of odonata? Odonata के किस उपगण के अंदर जो होता है branchial chamber उपस्थित होती है? Yes, yes Nagarani, you are right. Yes, giving answer. The branchial chamber present in the which suborder of odonata? Odonata के किस उपगण के अंदर जो होता है branchial chamber होती है? यह प्रश्न आपको पूछा गया है। Yes. Give your answer in a comment box. What is the your right answer? Yes. Branchial chamber present in a which suborder? Very, very important question. Very, very important question. Yes. As you know, that is the suborder Zygoptera, Anisoptera, or you know, Zygoptera having a damsel fly. और एनिसोप्टेरा यू नो ड्रैगन फ्लाई। तो आप बताइए ब्रेंचल चैम्बर जो होता है किसमें होता है? यस अजमल हरीस गिविंग आंसर जाइगोप्टेरा, अभिजीत आल्सो गिविंग आंसर ए, आश्रित गिविंग आंसर ए, जाट सरोज आल्सो गिविंग आंसर ए, रवि इज आल्सो गिविंग आंसर ए, शोभाराम ठाकुर आल्सो गिविंग आंसर ए। यस आपने सभी ने जो आंसर दिया है वो आप सभी का आंसर जो है रॉन्ग है, किसी का भी आंसर राइट नहीं है। यहां पे जो आंसर जाएगा वह आपका एनिसोप्टेरा जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा? एनिसोप्टेरा। अब मैं बताता हूं ब्रेंचल चेंबर होती है क्या। तो ब्रेंचल चेंबर का सीधा सा अर्थ है दैट इज द एंटीरियर पार्ट, दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम, एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम, एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम हैविंग अ सिक्स लॉन्गिट्यूडनल रोज, having a six longitudinal rows forming a chamber, six longitudinal rows forming a chamber, that is known as the branchial chamber. जो rectum होता है उसका जो अग्र भाग होता है उसके अंदर छह longitudinal rows मिलके जो है एक chamber का निर्माण करती है, उस chamber को जो है अपन branchial chamber के नाम से जानते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका एनिसोप्टेरा है जिसके अंदर ड्रैगन फ्लाईज आ रही है और जो आपके डैमसल फ्लाई, इनकी जो लार्वी होती है वह आपकी नेट्स के नाम से जानी जाती है, और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ये ब्रेंचल चेंबर किस काम में आती है? रेस्पिरेशन में काम में आती है, लार्वी के नेट्स के रेस्पिरेशन में काम में आती है, और इसको आप ब्रेंचल चेंबर बोल सकते हो। इसके अलावा आप इसके रेस्पिरेशन के लिए शब्द काम में लेते हो रेक्टल गिल्स। कौन सा शब्द काम में लेते हो? रेक्टल गिल्स काम में लेते हो, या आप बोलते हो फ्लेजलेट, फ्लेज फिला फिलामेंटस, फिलामेंटस गिल के नाम से भी इसे आप जानते हो। इट मींस आपको सीधा यहां पे याद रखना है आर। क्या याद रखना है? आर, आर शब्द याद रखना है। देखो अगर अपन डैमसल फ्लाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डैमसल फ्लाई लिखते हैं, तो यहां पे इसकी स्पेलिंग में कहीं पे भी आर नहीं आ रहा है, लेकिन जब अपन ड्रैगन फ्लाई लिखते हैं तो यहां पे क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो ये जो आर है ड्रैगन फ्लाई में आर आ रहा है, तो यानी यहां पे ब्रेंचल चेंबर यानी किसका जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है? रेक्टम का। किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है? रेक्टम का। रेक्टम का इंटीरियर पार्ट जो है वह एक चेंबर बना रहा है। तो आपको आर से ही याद रखना है कि आर फॉर ड्रैगन फ्लाई, आर फॉर रेक्टम, आर फॉर रेक्टल गिल्स, जो आर फॉर रेस्पिरेशन, देन अगेन आर फॉर रेस्पिरेशन, और यही आर जो होता है वह रेस्पिरेशन के लिए काम में आता है। किसमें काम आता है? ड्रैगन फ्लाई के नेट्स में। तो आपके आर के नाम से कितना हो गया? देखो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन में आर आ रहा है, आर यानी यह किसका मॉडिफिकेशन है? रेक्टम का मॉडिफिकेशन है, और रेक्टम के अंदर बात करें तो इसे अपन रेक्टल गिल्स कहते हैं, और यह किस लिए काम में आ रहा है? रेस्पिरेशन में। यानी चार बार आपका आर आ गया तो यह आपका क्लियर हो जाएगा एनिसोप्टेरा, जिसके अंदर आपकी ड्रैगन फ्लाई आती है। मुझे नहीं लगता आपको यहां पर कोई दिक्कत होगी। Then the next one is the
यस, अगर जाइगोप्टेरा डेमसल फ्लाई की बात करें तो इसके अंदर क्यूडल गिल्स होती है. कौन सी गिल्स होती है? क्यूडल गिल्स होती है. कौन सी गिल्स होती है? क्यूडल गिल्स होती है. देन नेक्स्ट वन इज द PETH एंड ETH सिक्रेटेड बाय PETH और ETH. PETH यानी मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन. प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन और यू कैन से इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन. प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन और यस प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन एंड इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन जो होता है वह किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. यस रवि इज गिविंग आंसर बी. यस कार्तिक गिविंग बी. गायत्री गिविंग आंसर बी. यस गायत्री आल्सो गिविंग आंसर बी. यस और लोग भी इसमें आंसर दीजिए. आंसर आपका क्या होगा? आपको पूछा है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बना हुआ रहता है. PETH एंड ETH इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन, प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन. यस नागा रानी आंसर इसमें ए दे रहे हैं. और भी लोग कमेंट करिए. यस इस केस के अंदर यस जर्नी ऑफ लाइफ आल्सो गिविंग आंसर बी. यस इस केस में भी किसी का भी आंसर राइट नहीं है. आप सभी गलत हो. यहां पे जो राइट आंसर जाएगा वह आपका सी जाएगा. दैट इज द इपीट्रेकियल ग्लैंड्स जो होती है. इपीट्रेकियल ग्लैंड्स जो होती है वह प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन एंड इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन का सिक्रेशंस करती है. जो आपको बताना चाहिए जब आप बात करते हो प्रोथोरेसिक ग्लैंड की, तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है ये सिक्रेशन करती है इक्टाइसोन का. आपको ये नहीं पूछा है, आपको हार्मोन पूछा है. प्री ट्रिगरिंग हार्मोन बोल रहे यानी प्री इक्टाइसल की बात हो रही है, पहले की और उसके दौरान की. तो इक्टाइसोन तो सिक्रेट होता है किसे? पीटीजी ग्लैंड से, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से. और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होती है आपके PTTH होता है. उसमें क्या होता है? PTTH या ब्रेन हार्मोन के नाम से आप जिसे जानते हो वह आपका न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है. और कॉर्पोरा अलाटा आप जानते हो जो जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रेशंस करता है. तो यहां पे जो आपका आंसर जाएगा वह आपका सी जाएगा. दैट इज द प्री इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन और इक्टाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द इपीट्रेकियल ग्लैंड. ये आपका आंसर यहां पे C1 राइट होगा. इस केस में किसी का भी आंसर राइट नहीं था. अब बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी. प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ ICZN? यस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी जो है यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? यस गिविंग योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर? यस जाट सरोज गिविंग आंसर बी. या नागारानी आल्सो गिविंग आंसर बी. यस देशमुख बी. नागारानी गिविंग आर्टिकल 23. यस हेमेंद्र सिंह बी. यस रवि इज आल्सो गिविंग आंसर बी. Yes, your answer is right. Principle of priority comes under the article 23. And in the article 5, that is the binomial nomenclature. It means binomial nomenclature की जो बात की गई है, it means the genus and species की जो बात हुई है, वह आपकी article 5 के अंदर हुई है. Then article 51 के अंदर जो बात हुई है, वह authorship की बात हुई है. Authorship. आर्टिकल 50 एंड 51 दोनों के अंदर जो है ऑथरशिप की बात की गई है. आर्टिकल 61 के अंदर जो है टाइपिफिकेशन, टाइपिफिकेशन की बात की गई है, जो आपको पता होना चाहिए. तो ये सारी बात हो गई आर्टिकल्स के बारे में. देन द नेक्स्ट वन इज मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन. मैंडिबुलेट प्रकार के जो मुखांग होते हैं यह किसके अंदर पाए जाते हैं? दैट इज द कैटरपिलर, एफिड, प्रीडेटर लार्वी और निम्फ. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन. यस व्हाट इज योर राइट आंसर? यस शोभाराम ठाकुर गिविंग आंसर सी. यस और लोग. यस कार्थिक इज अ वी सी. या नागारानी आल्सो गिविंग आंसर ए. नो रवि आल्सो गिविंग आंसर ए.
नहीं, इस केस में आंसर जो जाएगा वह आपका कार्थिक और शोभाराम ठाकुर का आंसर राइट है। दैट इज द प्रीडेटर लार्वी के अंदर, प्रीडेटरी लार्वी के अंदर जो होते हैं आपके मैंडिबुलेट टाइप के मुखांग होते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु वॉज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरिंग द लैंग्वेज और मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द हनीबी। मधुमक्खी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए उसकी भाषा की खोज करने के लिए किसको जो है पुरस्कृत किया गया है? फ्रिशर, कार्ल वॉन फ्रिस, कैन, नन ऑफ अबव। गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द राइट आंसर? हु इज अवार्डेड फॉर द बी लैंग्वेज, बी कम्युनिकेशन? यस, अश्रित गिविंग आंसर बी, देशमुख गिविंग बी, यस कार्तिक गिविंग बी, यस योर आंसर इज राइट। दैट इज द कार्ल वॉन फ्रिस अवार्डेड इन नोबेल प्राइज इन द 1973 के अंदर कार्ल वॉन फ्रिस को नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? उन्होंने बी के अंदर बी लैंग्वेज अर्थात बिग डांसिंग के बारे में बताया था। और बी का डांसिंग आप जानते होंगे, आपका राउंड डांस एंड वेक्टेल डांस जाना जाता है। सो जो आपकी शॉर्टर डिस्टेंस है उसके लिए आपका राउंड डांस एंड लॉन्गर डिस्टेंस के लिए वह वेगल टेल डांस करती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस द डिजीज इन द सिल्क वार्म, द डिजीज इन द सिल्क वार्म in which the infection spreads through the successive generations through the egg of diseased moth, transvorial transmission. It means the egg ke through jo hota hai madhumakhi aapke resham kit ke andar jo hota hai rog ka sancharan hota hai aage se aage badhta rehta hai yah, to vah rog aapka kaun sa hai? Yes, check it. Nagarani comment the caterpillar also having a mandibulate now. Kuldeep, check it. Nagarani giving that caterpillar also having a mandibulate type of mouth part. Check it. Yes, Asrat giving a B, Abhijit giving a B, yes, Kiran giving B, yes, Gayatri giving a B, yes, Hemendra Singh a pebrine. Yes, your answer is right. That is the pebrine. Pebrine disease have a transvorial transmission, or you can say the disease ka jo transmitter hota hai, wo aapka egg ke through hota hai. Then the next one is the वेक्टर ऑफ पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज। अरर के बंधिता रोग का वाहक जो है वह कौन होता है? दैट इज द लीफ ऑफर, व्हाइट फ्लाई, एफिड और माइट। यस कृतिक कह रहे हैं यहां पे निम्फ आल्सो हैविंग अ मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट। निम्फ कमेंट हियर। Yes, Rishabh giving answer D. Yes, Karthik giving answer might. Chiranjeevi Nagarani is a D. Asrat is a giving answer D. Sobharam Thakur is a giving D. Gayatri giving D. Yes, इस केस में आप सभी का आंसर राइट है। माइट, दैट इज द एकेडिया केजानी। द माइट कॉजिंग इन्फेस्टेशन इन अ पिजन पी, दैट इज द एकेडिया केजानी, दैट इज एक्ट एज अ वैक्टर ऑफ पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज इन अ पिजन पी। यस, इट इज एन इडियोफाइट माइट। वेरी गुड नागरानी। Yes, the flowers do not open and give the rosity appearance due to the attack of. किस बॉलवर्म के अटैक के कारण जो है फूल खुलेंगे नहीं एवं उनकी अपीरेंस जो होगी वह रोजेटी रहेगी, यह कौन से बॉलवर्म के केस में होता है? यस विक्रम कुमार, या गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। व्हाट इज योर राइट आंसर? थैंक यू एग्री स्टडी। यस कार्तिक गिविंग आंसर बी, यस अभिजीत बी, यस ऋषभ मिश्रा बी, कार्तिक यस पिंक बॉलवर्म, गायत्री गिविंग आंसर बी। यस आप सभी का आंसर राइट है। दैट इज द पिंक बॉलवर्म। पैक्टिनोफेरा गोसिफेला के इन्फेस्टेशन के कारण जो होते हैं रोजिटी सिम्टम्स की अपीरेंस होती है। इसके साथ साथ डबल सीड फॉर्मेशन, डबल सीड फॉर्मेशन जो होता है वह भी आपके पिंक बॉलवर्म के अटैक के कारण ही होता है। और अगर अपन बात करें अमेरिकन बॉलवर्म के केस में, तो अमेरिकन बॉलवर्म क्या करता है, उसकी हाफ बॉडी जो होती है आपके उसके अंदर फ्रूट के अंदर या बॉल के अंदर और हाफ बाहर रहती है, हैंगिंग आउटसाइड द बॉल। एंड देन अपन रेड बॉलवर्म की बात करें तो ये आपके जो होती है उस फ्रूट्स के अंदर आपके बॉल के अंदर एंटर कर जाने के बाद वहां से जो लिक्विड का जो एक्सक्रीशन बाहर की ओर करती है। और स्पॉटेड की बात करें तो यह आपके फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम्स? फ्लेयर स्क्वायर सिम्टम्स जो कॉज्ड होता है वह आपका जो होता है स्पॉटेड बॉलवर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पेस्ट ऑफ सुगर कैन कॉजेज द बंची टॉप।
गन्ने का ऐसा कौन सा कीट है जो शीर्ष गुच्छा रोग पैदा करता है? काइंडली गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर? दैट इज द इंटरनोड बोरर, टॉप बोरर, स्टेम बोरर और अ पायरिला. विच पेस्ट ऑफ द सुगर कैन कोजिंग अ बंची टॉप? रेड बॉलवर्म इज अ राबिला फ्रंटलिस, इज ऑल्सो अ बॉलवर्म ऑफ अ कॉटन. या नागरानी गिविंग आंसर बी. यस ऋषभ गिविंग बी. कार्तिक बी. यस गायत्री बी. यस अश्रित बी. रवि बी. अभितेज बी. यस योर आंसर इज राइट. टॉप बॉरर कॉजिंग अ बंची टॉप सिम्टम्स इन द सुगर कैन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन राइस क्रॉप पासिंग ऑफ रॉप ओवर द क्रॉप इज डन ड्यू टू डिस्लोज द फॉलोइंग पेस्ट. फसल के ऊपर से जो रस्सी जो घुमाई जाती है ताकि वह उस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है, यह किसके लिए होता है? ऑप्शन इज बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर, केशवाम, येलो स्टेम बोरर एंड द गोलमिज. गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर? पासिंग ऑफ रॉप, रॉप को पास करते हैं इसमें. यस ऋषभ गिविंग आंसर बी. यस अभिजीत बी. कार्तिक केशवाम. यस किरण आल्सो गिविंग आंसर बी. यस रवि बी. यस ऋषभ मिश्रा बी. यस शुभम ठाकुर बी. अमित कुमार बी. यस योर आंसर इज राइट. दैट इज द केशवम. केशवम के लिए अपन जो है रोप को पासिंग करते हैं. जबकि बीपीएच की बात करते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करते हैं, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, जो खेत को गीला और सूखा रखने का प्रोसेस इसमें किया जाता है, और इसमें क्लोज स्पेसिंग को जो है आप अवॉइड करते हो इन केस ऑफ बीपीएच. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस यहां तक अपना सेशन पूरा हो चुका है. आप डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो है आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एंड निमेटोलॉजी के क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे. ओके वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन निमेटोलॉजी. सुरेश यादव गुड इवनिंग. डॉक्टर कुलदीप शर्मा सर, सुरेश आई वेलकम यू. थैंक यू वेरी मच. अभितेज गुड इवनिंग अगेन. गुड इंट्रैक्शन स्टडी. कार्तिक इज टेलिंग. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. कीप सपोर्ट अस लाइक दैट ओनली. सो विल डू मोर बेटर फॉर यूर एग्जाम. Who is the father of American nematology? So please give answer. Kartik A answer. Journey of Life A. Sarita Ashrit A answer. Abhijit Deshmukh A. Amit Kumar A. So most of given A answer. So it is correct answer. Okay. And H.C. Bastian also you know that it is a European nematology father. I told you already, European nematology father, and M.M. Alam in Indian. In Indian nematology, we called the father of Indian nematology. And here I put two slides for you. This is very much important. N.A. Cobb. Okay. Sometime it's a full name can ask Nathan Augustus Cobb. Okay. Nathan Augustus Cobb was from America. So that's why American nematologist father. And contribute to the science of nematology a great contribution and develop the method, some of the methods and used apparatus in nematology. And in ki jo excellent book hai, ek bahut achhi contribution to a science of nematology. And inka contribution nematology mein bahut jyada raha hai. So isliye that's why overall also we can call the father of nematology. Next, H.C. Bastian. Okay, H.C. Bastian. He was from England, means European country. Okay, so that's why European nematology ke father hai. Inka jo ek monograph hai, Angulo Lidi, monograph
of the angularity and also reported different ways to collect the nematode from soil, plants, fresh. Okay, so how the nematode can be collected from this ecosystem, he has developed the different techniques. Okay, so next. So this one is the question, excretory pore located in a nematode. In which part, posterior to the body, anterior to the body, both or none? So please give answer here. आपका क्या यहाँ पे आंसर आएगा, जल्दी से आप आंसर करिए इस क्वेश्चन के लिए. वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, एक्सक्रेटरी पोर लोकेटेड इन अ निमेटोड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. सो द पोस्टेरियर टू द बॉडी, एंटेरियर टू द बॉडी और बोथ, आइदर इन बोथ और नन. सो कहाँ पे ये होगा, सो जल्दी से बताइए. फर्स्ट आंसर शोभाराम ठाकुर ने दिया है, बी आंसर उसके बाद धनंजय कुशवाहा, बी आंसर अश्रित एस, ए आंसर रवि, ए आंसर अशोक गौर, बी आंसर यस उजाला गौर, ए आंसर एग्री स्टडी, ए आंसर हमेन संघ सर. व्हाट इफ आस्क द फादर ऑफ निमेटोलॉजी इन वर्ल्ड, या आई टोल्ड ऑलरेडी, इफ आस्क द फादर ऑफ निमेटोलॉजी इन द वर्ल्ड, सो यू कैन सेलेक्ट द एन ए कोब. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी के पास में ये जो इसका एक्सक्रेटरी पोर होता है, देखिए दिस इज द कन्फ्यूजन क्वेश्चन. सो एक्सक्रेटरी सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेटरी सिस्टम इज लोकेटेड पोस्टर टू द बॉडी. सो एनस के पास में ये एक्सक्रेटरी पोर होता है, बट इन निमेटोड इट इज वेरी यूनिक. सो दैट्स वाई आई पुट हियर एंड समटाइम इट इज आज दिन एग्जाम ऑल्सो. सो एक्सक्रेटरी पोर यहाँ पे इसके बिल्कुल हेड के पास होता है, दिस इज द नर्व रिंग एंड इसके पास में यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर होता है. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड के पास में होता है ये, इसलिए ये एंटेरियर देखिए आगे की बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपके. और निमेटोड की ये इस टाइप से जो होती है बॉडी होती है, इनर बॉडी ट्यूब, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल, इनर बॉडी ट्यूब एंड आउटर बॉडी ट्यूब जो होती है वो इस टाइप से बॉडी वाल बोलते हैं हम उसको. एंड द स्यूडोसिलोम, इसके बीच में जो थर्ड जो पार्ट होता है वो स्यूडोसिलोम होता है. फर्स्ट वन इज द इनर बॉडी ट्यूब, सेकेंड आउटर बॉडी एंड स्यूडोसिलोम. इस टाइप से इसका जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है. सो आप यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे नर्व रिंग भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना. एंड इट्स लेग रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमने कल डिस्कस किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इनके अंदर अब्सेंट होता है. नेक्स्ट, मोस्टली जो निमेटोड होते हैं, द साइज ऑफ द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड PPN इज, वैसे ही आई शुड नॉट टेल द फुल नेम ऑफ PPN बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, यू हैव टू रिमेम्बर. सो इतना तो सब जानते ही हैं, इसका आप आंसर करिए फटाफट, क्या इसका आंसर आएगा. मोस्टली द साइज ऑफ द PPN, जो ज़्यादातर जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड या सूत्रकर्मी होते हैं उनकी साइज किस टाइप की होती हैं, 1 to 5 millimeter, 2 to 3 millimeter, 0.5 to 0.1 millimeter और 0.3 to 2 millimeter. सो प्लीज़ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आया है गायत्री का, इनका सी आंसर जर्नी ऑफ लाइफ. डी चेतन शर्मा जो कि लीलदा से जुड़े हैं, इन्होंने दिया है सी आंसर. रवि सी आंसर. अजमल ने यहाँ पे टाइपिंग कर दिया है. हेमेंद्र सी आंसर. अशोक गौर सी आंसर. सो आई थिंक सबका आंसर जो है गलत है और आपको कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में. ओके, सो इसलिए इसके लिए मुझे पता था आप लोग इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे. इवन दिस इज आस्क मेनी टाइम इन JRF ओके और SRF, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे एक आपके लिए बहुत अच्छे से एक वन वंडरफुल स्लाइड लेके आया हूँ. यहाँ पे आपको याद करना निमेटोड्स साइंटिफिक नेम और साइज ऑफ द निमेटोड. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. सो लार्जेस्ट निमेटोड अगर आपसे पूछा जाएगा, प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा. लार्जेस्ट निमेटोड इज द प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा, दैट इज 8 meter long. और ये जो होता है जो ब्लू वेल होती है मछली,
उसके उसका पैरासाइट होता है। तो देखिए जो ब्लू वेल जो मछली होती है, इट इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, सो इस टाइप से ये भी इसके अंदर रहेगा नेमेटोड, तो ये भी उतना बड़ा होगा उसके जैसा। तो 8 मीटर का ये रहता है, आपको याद रखना है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इफ स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पीपीएन, सॉरी स्मॉलेस्ट निमेटोड सिंपल ग्रिफेनो और माइन्यूटम। देखिए माइन्यूटम मतलब माइन्यूट, माइन्यूट कम मतलब कम, ठीक है। तो इसकी साइज होती है ओनली 82 माइक्रोमीटर होती है इन जनरल, ये जनरल है। अब यहाँ पे आपको ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, चाहे वो ऊपर के आप याद रखें ना रखें, बट ये आपको याद रखना है और ये वाला, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड इज पेराटीलेंकस, ओके 270 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड पेरालोंजिडोरस, ओके 1.2 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच के अंदर सारे निमेटोड आएंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपीएन हैविंग 0.3 to 2 millimeter रेंज, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आपको बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का बिल्कुल, ठीक है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड दिस टू वन और ये आपको याद रखना है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट, सो द निमेटोड फीमेल पोजेस ओनली वन गोनाड, इट इज सेड टू बी व्हाट इज, डायडेल्फिक कंडीशन, मोनोडेल्फिक कंडीशन या बोथ कंडीशन और नन ऑफ द अबव। सो द निमेटोड की जो फीमेल होती हैं उसके पास कौन सा गोनाड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस टाइप से आपको ये बताना है, ठीक है। जो निमेटोड की फीमेल होती हैं किस टाइप का उनके अंदर गोनाड डेवलप होता है, या तो वन गोनाड अगर उनके अंदर रहेगा तो उस निमेटोड को हम क्या बोलेंगे, इसका ये आंसर करना है आपको, डायडेल्फिक, मोनोडेल्फिक और बोथ और नन ऑफ द अबव। सो जर्नी ऑफ लाइफ ने सबसे पहले आंसर दिया है, ए आंसर दिया इन्होंने, ओके। ऋषभ मिश्रा बी आंसर, शोभाराम ठाकुर ए, अभिजीत सी आंसर, देवेंद्र बी आंसर, अशोक गौर ए आंसर, हरेंद्र ए आंसर। सो देखिए आपने यहाँ गलत दिया है मोस्ट ऑफ ने आंसर, निमेटोड पोजेस ओनली वन गोनाड, देखिए वन है ये, तो ये डाई तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी कहीं तक, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन इज रिमेनिंग, सो मोनो, ओके मोनो को हम वन बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको आपके लिए स्लाइड लाया हूँ, मुझे पता है आपको ये याद किस टाइप से करवाना है, ठीक है। सो वल्वा जो होता है, वल्वा को हम गोनोडक्ट बोलते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। इन क्वेश्चन आई आस्क्ड दैट वल्वा और आइदर गोनोडक्ट, इफ वन गोनोडक्ट इज देयर, ओके सो इट इज कॉल्ड मोनोडेल्फिक कंडीशन, वन मोनोडेल्फिक कंडीशन अगर एक है तो। बट इन निमेटोड, सी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट निमेटोड इस टाइप से होते हैं, अगर ये उनके आगे रहेगा तो इसको हम बोलते हैं एंटेरियर, ओके एंटेरियर, तो प्रोडेल्फिक कंडीशन होती है ये, और पोस्टेरियर रहेगा तो ओपिस्टोडेल्फिक कंडीशन वहां पे होगी। प्रो मीन्स आगे, ठीक है, एंटेरियर एंड ओपिस्टो ये होगा पोस्टेरियर, ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से भी आप पूछा जा सकता है। एंड इफ इज एविन फीमेल हैविंग टू गोनोडक्ट, सो दिस कंडीशन इज डायडेल्फिक कंडीशन, ओके डायडेल्फिक कंडीशन। अगर देखिए इस टाइप से निमेटोड है, अगर उनके एक गोनोडक्ट एंटेरियर है, वन इज एंटेरियर एंड वन इज पोस्टेरियर, सो दिस इज कॉल्ड एम्फी, एम्फी या ड्यूटेरो, ठीक है, मतलब दोनों वाली कंडीशन होगी, या बाई बोल सकते हैं आप इनको, बाई डेल्फिक यानी एम्फी दोनों तरफ इनके होगा, ओके। सो इस टाइप से ये रहेगा। और अगर बोथ एंटेरियर, दोनों अगर आगे हैं, तो देखिए दोनों मतलब आगे हैं इस टाइप से, ये मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, अगर दोनों आगे हैं, इफ द बोथ द गोनाड आर प्रेजेंट एंटेरियरली, सो दैट कंडीशन विल कॉल्ड प्रोडेल्फिक, और यहाँ पे डायडेल्फिक, प्रोडेल्फिक डायडेल्फिक, एम्फीडेल्फिक डायडेल्फिक, ये डाई आप यहाँ पे ऐड कर लेना। और बोथ अगर पीछे हैं इस टाइप से, तो ये आएगा ओपिस्टोडेल्फिक डायडेल्फिक कंडीशन, ओके सो इट इस टाइप से। नेक्स्ट, बहुत शानदार गुरुजी, आपका मार्गदर्शन तत्पर, कुमार राज यादव ने ये बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। A4 अमीरा ने बताया, जय श्री कृष्णा, या आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले भूल गए थे, आज जन्माष्टमी है, सो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्णा। सो प्लीज़ गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, केनाकुलर टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन, विजय कुमार का कमेंट आया है, डॉक्टर साहिब रियली ग्रेट जॉब, प्लीज़ कीप इट अप।
सो ऑफकोर्स वील कीप इट अप फॉर ऑल ऑफ यू. सो आपके इतने अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे लिए, आई विल कीप इट अप. ओके एंड आप ज्वाइन करिए हमको, आपको हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे. एंड ओनली 199 रुपीज़ और आइदर द 299 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कॉस्ट है हमारे लिए. अगर हमारा होता तो हम आपके लिए ऐसे ही लेके आ जाते, बट दिस इज़ द ओके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो है इसका आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव फैसिलिटी इन इंटायर इंडिया यू कैनॉट इवन गेट इन एनी इंस्टीट्यूट. आई एम टेलिंग यू रिपीट दैट यू कैनॉट गेट इन एनी इंस्टीट्यूट लाइक दैट द क्वालिटी और आइदर द फैसिलिटी. ओके सो फॉर दैट ओनली वी हैव प्लान्ड दैट. सो यू प्लीज थिंक वंस ट्वाइस और इवन 10 टाइम्स दैट वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट टीचिंग इन द इंटायर कंट्री. ओके सो वहाँ पर आपको इवन हम ऐसी टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे कि आपको इवन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों का फायदा होगा. ओके आई विल सी द कमेंट हियर. चेतन शर्मा सी, विजय कुमार असरित ए, रेड्डी लक्ष्मी बी, अभिजीत देशमुख बी, जर्नी ऑफ लाइफ बी, सुरेश चौधरी बी. सो कुछ का आया है बी आंसर और कुछ का आया है ए आंसर. तो आप सबका आंसर जो है यहाँ पे गलत आंसर आया है. मोस्ट जिसने बी दिया है उसका सही आंसर है. तो देखिए मुझे पता है यहाँ पे भी आप गलती करेंगे. और निमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इस एंटोमोलॉजी की जेआरएफ के लिए, जो कि आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको रिड्यूस करेगा, आपकी रैंक को रिड्यूस करेगा और आप बिल्कुल अच्छी आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं मिल पाएगी. तो यहाँ पे आपको निमेटोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और मुझे लग रहा है आप लोगों में से निमेटोलॉजी बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है. आई हैव मेड लाइक दैट एक्सक्रेटरी सिस्टम इज टू टाइप इन निमेटोड्स. वन इज द केनाकुलर टाइप एंड अदर वन इज द ग्लैंडुलर टाइप. ओके सो केनाकुलर टाइप इज प्रेजेंट इन सेसर नेंटिया, जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड वहाँ पे होते हैं. एंड एडिनोफोरा इट इज प्रेजेंट इन सो ग्लैंडुलर इज प्रेजेंट इन एडिनोफोरा टाइप ऑफ जो होंगे, जो क्लास रहेगी हमारी निमेटोड्स की. अब देखिए इसको याद करने के लिए आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ एजी एग्रीकल्चर. ओके सो बीएससी एजी एमएससी एजी, ठीक है. तो आपको बस ये याद रख लेना है एजी, ये ट्रिक वाला एजी. तो आप बस ये एजी याद रख लेना, जो एडिनोफोरा है उसके पास में ग्लैंडुलर टाइप का क्या होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा. और बाकी जो बचा कौन है, बचा है हमारा केनाकुलर, जो कि सेसर नेंटिया वाले निमेटोड्स के पास में होगा. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है. और ऐसी ट्रिक्स आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम पर्पस के लिए. वैसे इसका एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे बाद में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके बट फॉर योर एग्जाम पर्पस वी हैव टू डू दैट. एंड वन मोर क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़िए अच्छे से. फैस्मिड इज अब्सेंट इन एडिनोफोरा सेसर नेंटिया और आइदर द बोथ और नन. ओके एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस आर द क्लासेस ऑफ निमेटोड. क्लासेस ओके क्लासेस ऑफ निमेटोड एंड द फाइलम निमेटोडा. फाइलम इज निमेटोडा. सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखना है. फेजमिड यहाँ पे पूछा गया है. फेजमिड इज अब्सेंट इन विच निमेटोड क्लास द फेजमिड इज अब्सेंट. सो अमित कुमार गिवन ए आंसर, गायत्री ए आंसर. ओके प्लीज कमेंट फास्ट, कम ऑन. नागरानी ए आंसर, अजमल हरीश ए आंसर, हेमेंद्र सिंह ए आंसर. सो मोस्ट ऑफ गिवन एडिनोफोरा. ओके सो इट इज करेक्ट ओनली ऑफ जो फेजमिट होता है वो एडिनोफोरा में अब्सेंट होता है. अब देखिए द निमेटोड्स हैव टू क्लास इन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड हम पढ़ते हैं तो उसमें टू क्लास होती हैं, एक सेसर नेंटिया एंड एडिनोफोरा. सो मोस्ट ऑफ द निमेटोड्स कम अंडर द सेसर नेंटिया क्लास एंड द रिमेनिंग वायरस वेक्टर जो होते हैं वो आते हैं एडिनोफोरा क्लास में. तो उनका हमने एक कंपैरिजन बनाया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे. ओके दिस कंपैरिजन. सो सी क्लास एडिनोफोरा एडिनोफोरा सी यहाँ पे एडिनोफोरा मतलब अफेजमिटा. इसको पहले अर्लियर इसको अफेजमिटा नाम दिया गया था ऑन द प्रेजेंस ऑफ फेजमिट एंड अब्सेंस ऑफ फेजमिट. सो फेजमिट इज अब्सेंट इन एडिनोफोरा क्लास, सो दैट्स वाई अफेजमिटा इट वॉज कॉल्ड, बट लेटर द रीनेम्ड टू द एडिनोफोरा. और वहाँ पे सेसर नेंटिया में फेजमिट क्या होगा, प्रेजेंट होता है. ठीक है तो एक तो ये कैरेक्टर इनका ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ओके एंड एम्फिड्स ओपन बिहाइंड द हेड. ओके एंड एम्फिड्स ओपन ऑन द हेड
नियर द लीप रीजन, ये भी आपको याद रखना है, मतलब इनका क्या है, पीछे की ओर एम्फिट्स ओपन होगा और इनका क्या होगा, जो हेड रीजन है ठीक है वहां पे इनका एम्फिट्स ओपन होगा। फेजमिट एब्सेंट, ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ओके बिकॉज इनका नाम भी पहले अफेजमिटा और फेजमिटा था ठीक है, इस टाइप से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक्सक्रेटरी सिस्टम या ग्लैंडुलर, वी हैव ऑलरेडी रेड, ओके सो एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम हियर केनाकुलर, सो ए जी हमने याद किया था इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर कैरेक्टर, मेल विथ टू टेस्टिस, ओके जो मेल विथ टू टेस्टिस होते हैं उनको डाइकोर्चिक बोलते हैं, डाइकोर्चिक कंडीशन, ओके एंड मेल विथ वन टेस्टिस इज मोनोर्चिक कंडीशन, ठीक है मोनोर्चिक कंडीशन, ओके सो वो वहां पे होगा। और यहाँ पे बुरसा जनरली अब्सेंट, बुरसा यहाँ पे अब्सेंट रहेगा एंड बुरसा जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओडर, इसका देखिए अब ओडर आ चुका है, ये ओडर का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डोरी लेमिडा, और ये जो ओडर रहेंगे टाइलिंग कीड़ा एंड मेनी अदर सेसन इंडिया के जितने भी ओडर रहेंगे वो सब इसके अंदर आएंगे ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपेरिजन बिटवीन द बोथ द क्लासेस एंड द कैरेक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम। यस हेमेंद्र सिंह ने बताया आल्सो कॉल्ड एज अफेजमिटा, या ऑफकोर्स ये अफेजमिटा ही इसका नाम था पहले बट अब रिनेम्ड टू द एडिनोफोरा क्लास, ओके सो दिस इज यूर करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिलोंकस रेनिफॉर्मिस, रेटिलोंकस रेनिफॉर्मिस इज अ, रेटिलोंकस रेनिफॉर्मिस, वाट इज द रेटिलोंकस रेनिफॉर्मिस। फर्स्ट तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये साइंटिफिक नेम जो किसका है, अब आपको जब निमेटोड का साइंटिफिक नेम ही पता नहीं होगा तो यू कैन नॉट गिव द आंसर। और अब सबसे पहले रेटिलोंकस रेनिफॉर्मिस व्हाट इज दैट निमेटोड एंड व्हाट द हैबिट ऑफ द निमेटोड, ओके सो आइदर दिस इज द एंडो पैरासिटाइड पैरासाइट सेमी एंडो और एक्टो पैरासाइट और शो ऑल ऑफ द पैरासिटिज्म, सो प्लीज गिव द फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय जर्नी ऑफ लाइफ सेमी एंडो रेडिलक्ष्मी सेमी मिस बी आंसर अश्रित बी आंसर नेहा मात्रा बी आंसर विजय कुमार बी और कार्तिक ने लिखा है यहाँ पे रेनिफॉर्म निमेटोड, वेरी नाइस आपको याद है इसको हम बोलते हैं रेनिफॉर्म निमेटोड, इसी तरीके से आपको याद करना है। देखिए ऐसा लाइव इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा है, अब कार्तिक ने आपका इसका नाम बता दिया है रेनिफॉर्म निमेटोड सो यू विल ऑल रिमेम्बर, ओके वेरी नाइस। अमित कुमार बी, हेमंत सिंह बी, चीरा सनी नागा बी, सबका आंसर जो है बी, ओके सो करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर एंड हियर सी दिस आर द पैरासिटिज्म, ये स्लाइड आपके लिए मैं पैरासिटिज्म समझने के लिए लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं ठीक है। निमेटोलॉजी बहुत शॉर्ट है, निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है वेरी शॉर्ट बट इसका जो कंटेंट याद रखना वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं या फिर आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए बोथ फॉर SRF एंड फॉर JRF। सो हियर द थ्री काइंड्स ऑफ पैरासिटिज्म इज देयर, फर्स्ट वन एक्टो एंड द सेकंड वन इज अ सेमी एंडो एंड थर्ड वन इज एंडो पैरासाइट, ओके सो एक्टो, एक्टोमस फीड आउटसाइड, ये आउटसाइड से क्या करते हैं फीड करते हैं, ये एक प्लांट की सेल है जिसका कि ये देखिए निमेटोड क्या है, ये यहाँ पे फीड कर रहा है लेकिन इसका बॉडी पूरा बाहर है इस टाइप से, एक्सटर्नल फीडर ठीक है। यहाँ पे सेमी, सेमी मतलब आधा हाफ, ओके सेमी मीन्स हाफ, सो हियर सी द बॉडी, हाफ बॉडी इज इनसाइड द प्लांट एंड द रिमेनिंग हाफ बॉडी इज आउटसाइड द प्लांट, ओके सो दिस कॉल्ड इज सेमी एंडो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट, एंडो एंडो जो होता है देखिए ये प्लांट के अंदर पूरा मूव कर लिया इन्होंने ठीक है, और इस टाइप से फीडिंग करते हैं, मीन्स इट इज कम्प्लीटली फीडिंग इनसाइड द प्लांट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज। और इनका जो होता है ये इस टाइप का क्या है, होस्ट पैरासाइट का इनका रिलेशन होता है वाइल फीडिंग, फीडिंग वाइल फीडिंग, सो वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेम्बर, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। देखिए दिस टाइप का ये जो है इस टाइप से ये फीड कर रहा है यहाँ पे, सो दिस इज द हाफ ऑफ द बॉडी, सी हाफ ऑफ द बॉडी इनसाइड एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द बॉडी इज आउटसाइड, सी दी, सी यू कैन सी दिस एंड दिस इज द रेनिफॉर्म निमेटोड, एंड वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए इसका जो शेप है इस टाइप से इसका शेप है, ओके सो इट इज अ किडनी शेप्ड,
किडनी शेप्ड इसका शेप होता है. ओके, किडनी टाइप ऑफ शेप्ड, सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. अरशद शेख बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर मैं पास तो हो जाऊँगा ना. सो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आप अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए हमारे साथ में. आपकी पास करने की गारंटी और आपको अच्छी रैंक दिलवाने की गारंटी हम लेंगे. आप अच्छे से इस टाइप से पढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो अब रहेगा आपका जनरल एग्रीकल्चर. ओके, जनरल एग्रीकल्चर विल बी हैंडेड बाय माय कलीग डॉक्टर केसी अहिर. ओके, थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है. अब अपन बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की. फर्स्ट वन क्वेश्चन सीन ऑन योर स्लाइड, दैट इज प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड विच शुड बी मेंटेन सर्टेन जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय द सर्टिफिकेशन एजेंसी. प्रजनक बीज की वह कौन सी श्रेणी है जिसका अंकुरण स्टैंडर्ड्स है जो मेंटेन किया जाता है प्रमाणीकरण संस्था द्वारा. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. यस यस, व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. यस, गुड इवनिंग विजय कुमार, जय श्री कृष्णा. यस, नेहा गिविंग आंसर ए, नागा रानी गिविंग ए, रेडी गिविंग ए. Yes, Gayatri giving also answer A. Yes, your answer is right. That is the foundation seed. Foundation seed is the progeny of the breeder seed. Foundation seed जो है आपके breeder seed की progeny होती है. In case of in India, India के अंदर ऐसा होता है. वैसे seed की classes की बात करें, अपन seed की classes की बात करें तो उसमें सबसे पहला आपका that is the nucleus seed. Second one is a breeder seed and थर्ड वन इज द फाउंडेशन सीड एंड फोर्थ वन इज द सर्टिफाइड सीड. ये जो चार श्रेणियां है ये अपने इंडिया के अंदर है. यहां पे एक बीच में अगर अपन बात करें फाउंडेशन और सर्टिफाइड के बीच में एक रजिस्टर्ड सीड और होता है जो अपने इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है. न्यूक्लियस सीड, इससे यहां से इसकी प्रोजेनी जो होती है आपकी ब्रीडर सीड कहलाएगी एंड ब्रीडर सीड की प्रोजेनी आपकी इंडिया के अंदर फाउंडेशन और फाउंडेशन की प्रोजेनी आपकी सर्टिफाइड कहलाएगी. ब्रीडर सीड के ऊपर जो टैग होता है वह आपका गोल्डन येलो, टैग्ड एज अ गोल्डन येलो. वाइल इन केस ऑफ अ फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड के ऊपर जो आपका टैग होगा वह आपका दैट इज द व्हाइट कलर का. देन इन केस ऑफ सर्टिफाइड दैट इज द ब्लू कलर. और द विच टाइप ऑफ अ सीड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स, किस प्रकार का बीज है किसानों के बीच वितरित किया जाता है, तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा वह आपका सर्टिफाइड सीड जो होगा फार्मर्स के बीच में वितरित होता है. एक ऑप्शन आपके सामने और है, ट्रूथफुली लेबल सीड. ट्रूथफुली लेबल सीड जो है आपके कोई भी सीड की क्लास नहीं है. ये ट्रूथफुली लेबल सीड जो होता है फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एक प्रकार का इंप्रूव्ड सीड होता है अर्थात उत्तम बीज होता है और इसको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन जो है किसी एजेंसी के द्वारा नहीं दिया जाता है. लेकिन इसके ऊपर का टैग भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो TFL सीड कहेंगे इसी के ऊपर टैग होता है ओपेल ग्रीन कलर का. तो ट्रूथफुली लेबल सीड इज अ नॉट अ क्लास ऑफ अ सीड, इट इज सीड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर और दैट इज नोन एज द एज अ इंप्रूव्ड सीड हैविंग अ हायर जर्मिनेशन परसेंट एंड ऑल नेसेसरी स्टैंडर्ड्स एंड हैविंग अ ओपल ग्रीन टाइप ऑफ टैग. देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज रिकेट्स इन द चिल्ड्रन, ऑस्टोमलेशिया इन द एडल्ट्स, मिल्क फीवर इन द एनिमल्स और रिडक्शन इन द मिल्क यील्ड. आपको यहाँ पे दो चार चीजें एक साथ पूछ ली गई है. इसमें पूछा गया आपको कौन से तत्व की कमी की वजह से बच्चों के अंदर रिकेट्सिया, वयस्क के अंदर ऑस्टोमलेशिया एंड पशुओं के अंदर जो होगा दुग्ध ज्वर या दूध के उत्पादन में जो है कमी आ जाती है. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. यस नागारानी, यू आर राइट, द रजिस्टर्ड सीड इज अ टैग्ड एज अ पर्पल कलर. यस यू आर राइट,
Yes, ready giving answer C. Amit Kumar C. Neha C. Yes, Nagarani is also C. Genre of life giving answer C. Yes, your answer is right. That is the due to the deficiency of calcium. Calcium ke deficiency ki wajah se rickets, osteomalacia and the milk fever. Ye sari jo hai, hoti hai. Then next one is the a negative factor in the adoption of an innovation. इनोवेशन को नवाचार को अडॉप्ट करने में जो है नेगेटिव फैक्टर यानी माइनस पॉइंट नेगेटिव थिंक क्या रहेगी ऑप्शन कंपेटिबिलिटी ट्रायलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी यस काइंडली गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर राइट आंसर फॉर द अडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन इनोवेशन के अडॉप्शन के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो नेगेटिव जाएगी यस Give your answer in a comment box. What is your right answer? Yes. Ashok Gaur giving answer C. Yes. Asrat giving answer D. Yes. Very good, Asrat. Yes. Asrit also giving answer D. Yes. Your answer is right. That is the complexity. देखो जितनी ज्यादा चीज जो होगी कॉम्प्लेक्स होगी जटिल होगी उतना जो है कोई भी इस नवाचार को या इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस द अडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन इनोवेशन को अडॉप्ट करने को रिड्यूस करने का कार्य यह करता है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है दैट इज फ्रॉम द टोमेटो गार्लिक चिली और ऑनियन गिव योर आंसर यस मारिया Yes, C. Or next one. What is your right answer? Oleoresin is extracted from किससे जो है oleoresin की प्राप्ति होती है? Yes. Yes, ready giving answer C. Nagarani also giving C. Manraj Dakar C. Yes, Journey of Life C. Self Ali. Yes, Asrat giving A. Yes, Neha. Yes. Most of your answer is right. Oleoresin is extracted from the chili. Oleoresin जो होता है चिल्ली से प्राप्त होता है इसके अलावा oleoresin की प्रेजेंस जो होती है वह फेनुग्रीक के अंदर भी होती है मेथी के अंदर भी जो होता है आपका oleoresin की प्रेजेंस होती है जो आपको मालूम होना चाहिए Then the next one question is the for the delinting or diffusing of the cotton seed. Cotton seed से आपको लिंट को रिमूव करना है द रेशियो ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इट मीन द H2SO4 एंड कॉटन सीड इज H2SO4 एंड कॉटन सीड का रेशियो क्या रखेंगे फॉर द डिलिंटिंग और डिफ्यूजिंग द रेशियो ऑफ H2SO4 एंड कॉटन सीड्स गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर राइट आंसर यस रेडी गिविंग आंसर बी या Yes, Manraj giving B, Genre of Life giving B, Yes, Asrat giving B, Ajmal Harris giving B, Saif Ali B, Ashok Gaur B, Neha Mitra B, Yes, Maria C. Maria C नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले H2SO4 आया है and then आपके पास cotton seed आया है तो उस हिसाब से आपका आंसर जो जाएगा वह आपका B ही जाएगा That is the 1:10 इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको एक लीटर जो है H2SO4 लेना है किसके लिए आपको 10 केजी कॉटन सीड के लिए 10 केजी कॉटन सीड से आपको लिंड को या फस को रिमूव करने के लिए 1 लीटर H2SO4 से ट्रीट आपको यहां पे करना पड़ेगा तो यही होता है 1:10 का रेशियो इसमें आप रेशियो में यह भी ध्यान रखना फर्स्ट वन अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो देन इज 1 आएगा देन सेकंड वन अगर आपका कॉटन एसिड है तो 10 जाएगा तो रेस्पेक्टिवली वो चेंज हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग Then the next one is the husk-less variety of a barley. Barley, जो कि छिलका रहित किस्म कौन सी है? That is the Ambar, RD31, Dolma और Rajkiran. Give your answer in the comment box. What is your right answer? Yes. Asrad, अच्छा, चलेगा Asrad. Yes. Hemendra Singh, yes, giving answer D, Dolma. Yes, very good, Hemendra Singh. Yes, Neha Matra giving answer C, Manraj C. Yes, your answer is right. Dolma. Dolma is the huskless variety. Or bhi variety hai, jaise Kailas hai, Himani hai. That are also variety of a huskless. So, Dolma is a very famous variety or very important question which are asked in the examination. Yeh examination ke andar pucha jata hai. Agar Ambar ki baat rahe, to yeh melting purpose hai. Aap jante ho ki jo ke andar jo hota hai, alcohol hota hai. Aur alcohol hota hai, to usko melting, sharab aur beer banane ke liye jo hai, Ambar type, Ambar variety ko kaam milenge. Then RD31 jo variety hai, jo ki yeh aapki Renfed
बोल सकते हो आप बारानी खेती के लिए जो बेस्ट वेराइटी है, या यू कैन से द ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ बारले, दैट इज द RD31। देन राजकिरण, दैट इज द आल्सो नोन एज द RD387। RD387 के नाम से भी जानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दिस इज द रेजिस्टेंस टू मोलिया डिजीज। रेजिस्टेंस टू मोलिया डिजीज, मोलिया डिजीज के प्रति यह रेजिस्टेंस वैरायटी के रूप में जानी जाती है। और एज यू नो, मोलिया डिजीज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय वासुदेवा फ्रॉम द निम का थाना सीकर से इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और यह आपका हेटरोडेरा एवेनी नाम का जो निमिटोड है, इसके कारण मोलिया डिजीज कोस होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार बना हुआ रहता है, राजकिरण और RD387 जो होता है। यस वीरेंद्र सिंह, देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन इज द एम्फीडिप्लॉइड ब्रेसिका जूनशिया हैज बीन इवॉल्व थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। ब्रेसिका जूनशिया जो है यह किसके क्रॉस से विकसित किया गया है? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर राइट आंसर। यस, ब्रेसिका जूनशिया इज इन क्रॉस बिटवीन। ब्रेसिका जूनशिया किसका क्रॉस है? असरद पूछ रहे हैं प्री पीजी में 100वीं रैंक के उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो असरद ऐसी बात है कि रिजल्ट आते ही पता चल जाएगा कैटेगरी क्या है क्या नहीं है, उसके आधार पर डिसाइड होगा वो सारा चीज। यस, जर्नी ऑफ लाइफ गिविंग आंसर सी मनराज, या सी असरद गिविंग आंसर सी, असरद बी, अशोक गौर बी, आशीष राउत आंसर गिविंग आंसर सी, मनराज धाकड़ यस, शाबाश यस, अजमल हरीश इज आल्सो गिविंग आंसर बी, हेमेंद्र सिंह इज आल्सो गिविंग आंसर बी। यस, आप एंटोमोलॉजी में अच्छा कर रहे हो, नो डाउट आपने अच्छा किया है। आप लोग कमेंट जो है आपके काफी अच्छे आए हैं और आपने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इस केस में जो है आप आंसर गलत दे रहे हो। इस केस में आंसर जो है मनराज धाकड़ का आंसर राइट आएगा। इट मीन्स द योर आंसर इज द ब्रेसिका कैंपेस्टिस एंड ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा और कैंपेस्टिस का क्रॉस है आपका ब्रेसिका जूनशिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जनरल एग्रीकल्चर के अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अराइज होता है। अब आपको कैसे याद रखना है कि यह क्रॉस के अंदर जो है आपका ब्रेसिका जूनशिया के अंदर नाइग्रा और आपका कैंपेस्टिस आया है, इसके लिए मैं एक इजी सी ट्रिक्स आपके सामने लेके आया हूं, वो आप थोड़ा देख लीजिए। यस, यहां पे आपको समझना है अपनी जो ट्रिक है, ट्रिक फॉर द मस्टर्ड ट्रायंगल। मस्टर्ड ट्रायंगल, और एज यू नो मस्टर्ड ट्रायंगल इज गिवन बाय द नागा हेरू। नागा हेरू गिविंग द मस्टर्ड ट्रायंगल, और ट्रिक जो है आपकी वो है आपकी, दैट इज NOC इज इक्वल टू CNJ। NOC से फॉर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हो तो आपको NOC लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो NOC। देन CNG, तो CNJ आ रहा है ना, या जी समझ लो, इट मींस द CNG गैस का नाम सुना होगा, तो यहां आपको जे लेना है। तो NOC बराबर CNJ बराबर 8, 9, 10। NOC बराबर CNJ बराबर 8, 9, 10। आप इसको कैसे याद करना है, एन आ रहा है सबसे पहले, देखो नॉर्मल चीजें बी ब्रेसिका तो सब में आएगा, और एन का अर्थ यहां लेना है आपको नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा फर्स्ट वन आ गया। देन ओ आ रहा है, दैट इज द ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया। देन नेक्स्ट वन इज द सी, दैट इज द ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, यह होगा आपका ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। तो आपके मेन जो पेरेंट है, पैतृक है, वह तीन है, NOC, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेरेशिया एंड ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। अब इन पेरेंट के आपस में जो क्रोसेस हुआ है, उससे जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुई है वह है आपकी CNJ। तो आपने यहां नाइग्रा यानी यहां से शुरुआत की, तो आपका सी पहला यहां पे आएगा, दैट इज द ब्रेसिका कारिनेट। क्या आएगा? ब्रेसिका कारिनेट यहां आएगा। देन उसके बाद एन आ रहा है, तो ब्रेसिका ओलेरेशिया एंड ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस के क्रॉस से आपका होगा ब्रेसिका नेपस। क्या आएगा? ब्रेसिका नेपस। एंड देन लास्ट वन इज द जे, दैट इज द ब्रेसिका जूनशिया। तो इट मींस द योर क्रॉस
जो आपको क्रॉस यहां पूछा गया था ब्रेसिका जूनशिया का, तो ब्रेसिका जूनशिया इज अ क्रॉस ऑफ द नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, नाइग्रा और कैंपेस्ट्रिस के क्रॉस के रूप में जाना जाएगा। अब यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन और आता है क्रोमोसोम नंबर के संबंध में, एनओसी बराबर सीएनजी आपको याद है, देन क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो 8, 9, 10। तो देखो बेसिक क्रोमोसोम नंबर जिसे अपन x इजिकल टू या कई बार n इजिकल टू नाम से जानते हैं, तो अपन x इजिकल टू यहां लिखेंगे तो ये आएंगे 8, ये आएंगे आपके 9, ये आएंगे आपके 10। लेकिन जब अपन इसको 2n बोलेंगे, जब 2n की बात करेंगे तो 2n कितना होगा, 8 का 2n बोलेंगे तो कितना होगा 16, देन इसका 2n कितना होगा दैट इज द 18, इसका 2n कितना होगा दैट इज द 20। तो क्रोमोसोम नंबर आपने यहां पे डिसाइड कर लिया। आप क्रोमोसोम नंबर याद रखने के लिए सीधे सा बात ये कि अगर आपको किसी का भी क्रोमोसोम पूछ ले, तो जैसे सेप और कारिनेट का पूछ ले, तो आपको नाइग्रा और ओलेरिशिया के क्रोमोसोम को आपको प्लस करना है, तो इस केस में 18 और 16 को आप प्लस कर सकते हो। इसी प्रकार से जूनशिया के अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इसमें आपका 16 और 20 प्प्लस हो जाएगा, तो जूनशिया के अंदर 2n इक्वल टू होता है आपका 36, जो आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेसिका जूनशिया का क्रॉस जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रहता है, और ये ट्रिक आपको दे दी जो आप नहीं भूलोगे। देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटामिक एसिड क्या है, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, नन ऑफ द अबव। यस माय डियर, गिविंग आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, ग्लूटामिक एसिड इज अ, ग्लूटामिक एसिड आपका क्या है। यस हेमेंद्र सिंह गिविंग आंसर सी, यस नागारानी गिविंग आंसर सी, हसरत गिविंग आंसर डी, नो डी नहीं आएगा, जर्नी ऑफ लाइफ गिविंग सी, यस योर आंसर इज राइट, ग्लूटामिक एसिड इज ना एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, पहला मानव निर्मित खाद्यान्न कौन सा है, दैट इज द टिटिकम सिकेल सीरियल, इट मीन्स द राई टिटिकेल टीओसिनाइट। गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द योर राइट आंसर, फर्स्ट मैन मेड सीरियल, यस सुरेश यादव का राइट, यस सुरेश यादव यू आर राइट, अनु इज राइट, असरत इज राइट, यस अजमल इज राइट, यस गायत्री इज राइट, यस यस नागारानी गिविंग आंसर ए, यस अनु गिविंग आंसर ए, मनराज गिविंग ए, जर्नी ऑफ लाइफ सी, यस यस सुरेश यादव गिविंग आंसर सी, यस नेहा मरतास, यस सी, यस माइडिया गिविंग आंसर सी, असरत गिविंग सी, अजमल इज अ सी, मनराज इज अ सी, यस 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 आप सभी का आंसर राइट है। फर्स्ट मैनमेड सीरियल इज नॉन एज द ट्रिटिकेल, और ट्रिटिकेल एज यू नो इज अ क्रॉस बिटवीन द वीट एंड राई, जो आपका ट्रिटिकेल है ये आपके वीट और राई का क्रॉस है। इस क्रॉस को जो किया था वह रिंपू नाम के साइंटिस्ट का नाम यहां पे आता है, और वीट जिसे अपन साइंटिफिकली जो है अपन ट्रिटिकम के नाम से जानते हैं, और राई दैट इज नोन एज द सिकेल सीरियल, किस नाम से होगा इसका साइंटिफिक नाम, सिकेल सीरियल। तो आपका ट्रिटिकेल इज है ना फर्स्ट मैन मेड सीरियल के नाम से जाना जाता है, आंसर आपका राइट जो होगा वह ट्रिटिकेल होगा। टीओसिनाइट की बात करें दैट इज द एंसेस्टर ऑफ मेज, टीओसिनाइट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको पूछ लिया जाएगा मक्का का पूर्वज कौन से, तो मक्का का पूर्वज है टीओसिनाइट। देन अगर आपको ट्रिटिकल की बात सारी समझ में आ गई, मक्के के पूर्वज की बात हो गया आपका टीओसिनाइट। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यस हेमेंद्र सिंह, यस वेजिटेबल इज अ रुत्ताभागा, यस रुत्ताभागा इज अ क्रॉस बिटवीन हेमेंद्र सिंह, यस रुत्ताभागा आपने रख लिया है। तो रुत्ताभागा की अगर अपन बात करेंगे हेमेंद्र सिंह, तो दैट इज द क्रॉस बिटवीन द ब्रेसिका ओलेरेशिया एंड नेपस, ओलेरेशिया और नेपस के क्रॉस से आपका तैयार हुआ रुत्ताभागा, जो आप हेमेंद्र सिंह बोल रहे हो दैट इज अ क्रॉस बिटवीन द ओलेरेशिया एंड नेपस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर न्यू दिल्ली, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है जो आईसीआर के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यस 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 गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर राइट आंसर। यस महेंद्र चौहान गिविंग आंसर ए, नो प्रीवियस वन, या सॉरी
Yes, Jayant giving answer C. Yes. Anu giving answer B. Ashish Raut giving B. Hamander B. Yes, Amit Kumar B. Asrat B. Kailash B. Ashok Gore B. Yes, your answer is right. That is Narendra Singh Tomar. Narendra Singh Tomar is the Union Minister of India and he is the President of ICR. ICR के President के रूप में भी जाने जाते हैं. Then अपना अगला सेशन आता है प्लांट पैथोलॉजी. ये अपना जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस हो गए. अब अपन प्लांट पैथोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास है उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द वॉन शैमलिंग एंड कुलका फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड द सिस्टेमिक एक्टिविटी ऑफ फंजिसाइड्स. सबसे पहले वॉन शैमलिंग एंड कुलका ने सर्वांगी कवकनाशी के बारे में कौन से वर्ष में बताया था. जल्दी से अपना आंसर दीजिए आप. वॉन शैमलिंग एंड कुलका फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द सिस्टेमिक फंजिसाइड. इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड सिस्टेमिक फंजिसाइड. पहली बार सर्वांगी कवकनाशी की खोज किसने की थी, तो दैट इज द वॉन शैमलिंग एंड कुलका इन द विच ईयर. यस आशीष राउत 1956. नो 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 नो. यस कैलाश चंद कुमार. यस कार्बोक्सिन आशीष राउत 1966. यस डिफेंस में फर्स्ट रैंक के हो जाएगा भाई. यस कैलाश चंद कुमार गिविंग आंसर बी. यस योर आंसर इज राइट. दैट इज द 1966. इन द 1966 वॉन शैमलिंग एंड कुलका डिस्कवर्ड द फर्स्ट सिस्टेमिक फंजिसाइड दैट इज द कार्बोक्सिन. कार्बोक्सिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड फंजिसाइड सिस्टेमिक फंजिसाइड इन द वर्ल्ड बाय द वॉन शैमलिंग एंड कुलका. और कार्बोक्सिन इज अ ट्रेडेड और यू कैन से इज अ कॉमर्शियल नेम. इट इज अ विटावेक्स. कार्बोक्सिन को विटावेक्स के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? विटावेक्स के नाम से जाना जाता है. तो कार्बोक्सिन जो है आपका पहला सर्वांगी कवकनाशी है जो विटावेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है, जो आपको पता होना चाहिए. देन अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफी अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लेना. देन द नेक्स्ट वन इज द लूज स्मट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल बाय द सीड ट्रीटमेंट विद. लूज स्मट के नियंत्रण के लिए आपको बीजोपचार करना चाहिए, किससे करना है आपको? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. आशीष राउत यस सर लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल. यस आपका लव रेस्पेक्ट जो है हमें स्वीकार है. यस ओके. यस गिव योर आंसर इन फ्रॉम कमेंट बॉक्स. यस अमित गिविंग आंसर ए. सुरेश गिविंग आंसर ए. यस गायत्री गिविंग ए. यस आशीष राउत विटावेक्स. यस आप सभी का आंसर राइट है. दैट इज द विटावेक्स इज यूज फॉर द लूज स्मट. देखो यहां पे ध्यान रखना है आपको, इसका यूज जो होता है आपका स्मट के लिए यूज होता है. स्मट जो है आप नॉर्मली जो आप पढ़ोगे दैट इज द कवर्ड स्मट एंड लूज स्मट. इसके बारे में एक लूज स्मट का एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम है. दैट इज द विच टाइप ऑफ अ सीड बॉन्ड. तो लूज स्मट इज एन इंटरनली सीड बॉन्ड. इंटरनली सीड बॉन्ड लूज स्मट जो है इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वह बीज के अंदर. और मोस्ट प्रोबेबली अपन वीट की बात करें तो दैट इज कॉज्ड बाय अस्टिलेगो न्यूडा टिटिसाई. फंगस से यह होता है और यह इंटरनली सीड बॉन्ड होता है. ये जो इंटरनली सीड बॉन्ड है यह आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन के अंदर जरूर आता है, आपको पता होना चाहिए. दैट इज द इंटरनली सीड बॉन्ड. एंड देन सेकंड वन इज द कवर्ड स्मट. कवर्ड स्मट की बात करें तो वह जो होता है आपका एक्सटर्नली सीड बॉन्ड होता है. एक्सटर्नली सीड बॉन्ड ये भी आपको मालूम होना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन. यस नेक्स्ट वन वायरसेस विच कैन किल्ड द बैक्टीरिया आर नोन एज. वे विषाणु जो जीवाणुओं को मारते हैं क्या कहलाते हैं? वायरियन एंटीबॉडीज, बैक्टीरियोफेज या वायरोइड्स? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर? यस 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 वन कमेंट फ्रॉम अराइज फ्रॉम मोस्ट ऑफ पीपल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज द प्लांटावेक्स. प्लांटावेक्स को रिमेंबर करने की अपनी एक ट्रिक है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता ही देता हूँ आप इतना कर रहे हो तो. प्लांटावेक्स की बात करते हैं, आपको पता है क्रॉप के अंदर जो रस्ट डिजीज होती है और मोस्टली रस्ट इज एसोसिएटेड विद द वीट.
फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो वीट के अंदर रस्ट का प्रकोप काफी ज्यादा होता है. इज अ थ्री टाइप ऑफ रस्ट, दैट इज द योर लीफ और ब्राउन रस्ट, स्ट्रीप और येलो रस्ट, और यू कैन से ब्लैक और स्टेम रस्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट जो होती है उसके मैनेजमेंट के लिए जो अपनी ट्रिक है वो है आपकी, वो ट्रिक है अपनी प्रो. प्रो का नाम आपने सुना होगा, प्रो कबड्डी, प्रो कबड्डी ले लो, पेशन प्रो ले लो, कहीं कहीं अपन प्रो का शब्द का यूज जरूर करते हैं. तो P4 होगा आपका प्लांटावैक्स, P4 प्लांटावैक्स. देन R4 यूर रस्ट, R4 रस्ट, एंड O4 ऑक्सी कार्बोक्सिन. अर्थात प्लांटावैक्स का जो कंटेन होता है जिसके अंदर ऑक्सी कार्बोक्सिन होता है जिसका उपयोग रस्ट डिजीज के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं. तो ये इसके लिए ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए. और आपको पता है प्लांटावैक्स का जो विपरीत है आपका वो होगा आपका विटावैक्स. और विटावैक्स जो काम में लेंगे वो आप लोगे किसके लिए, आप स्मट के लिए लोगे. और विटावैक्स में कंटेंट कौन सा होगा, तो इसमें ऑक्सी कार्बोक्सिन है, तो विटावैक्स में होगा आपका कार्बोक्सिन जो अपन ने पहली वाली स्लाइड के अंदर बात कर ली. तो यानी कार्बोक्सिन को आपको याद रखने की या विटावैक्स को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है प्रो. क्या याद रखना है? प्रो. प्रो से ही आप रस्ट और इसके बारे में प्लांटावैक्स विटावैक्स का कंफ्यूजन जो है आप अपना दूर कर सकते हो. देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द यस, यहां पे आपका आंसर जो है मोस्ट ऑफ केसेस में वायरस के बारे में पूछा गया आपको. व्हाट इज योर राइट आंसर? वायरस विच कैन किल द बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को किल करता है वो आपका क्या कहलाता है? यस यस, व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, महेंद्र चौहान गिविंग आंसर सी. यस यस, योर राइट आंसर इज अ सी, दैट इज द बैक्टीरियोफेज. इट इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज. The virus that kill the bacteria, that is known as the bacteriophage. Yes, pubs pro hun. Yes, Asrad. Next one, question. That is, the book entitled Plant Diseases has been written by Padap Rog Pustak kiske dwara likhi gai hai? Y.L. Nene, R.S. Singh, Rangaswamy, V.N. Pathak. Give your answer in comment box. Yes, give your answer in the comment box. What is your right answer? Yes, plant diseases is written by. Yes, Suresh Yadav giving answer B. Or yes, Suresh, you are right. Your answer is right. That is the R.S. Singh written the book. That is the plant diseases. And Y.L. Nene jane jate hain. That is the discover of the Khera disease of rice. Discover Khera disease of rice from the Pantnagar or Khera disease of rice due to the deficiency of the zinc. Or it is a very important question in a many examination of the agriculture competitive examination. Khera disease in a rice caused by, that is the due to the deficiency of zinc, or that is discovered by the Y.L. Nene from the Pantnagar. Yes. Then the we go on the next question. Next question is सूटी और चारकोल लाइक पाउडरी मास यूजुअली अपीयरिंग ऑन द फ्लावर ऑर्गन्स पर्टिकुलरली द ओवरी. जो फूल होता है उसकी जो ओवरी जो होती है उसके आसपास जो है आपको सूटी या चारकोल जैसा पाउडर जो होगा वह आपको दिखाई देगा उसे, या आप कह सकते हो एज अ ब्लैक पाउडरी मास भी आप बोल सकते हो, ब्लैक पाउडरी स्पॉट्स भी आप बोल सकते हो. Give your answer. What is your right answer? Yes, giving answer A. Yes, Saif Ali giving A. Neha is a yes. Smart. Yes, your answer is right. That is the जो flower portion की अगर बात हो रही है, उसके ear portion की बात हो रही है, grain portion की बात हो रही है, वहां पे अगर powdery mass होगा तो वह smut के नाम से होगा और उसे अपन smut sorai भी कहते हैं. क्या कहते हैं? That is also known as the smut sorai. That is the black color powder or different type of powders are present near on the flower parts. Then the next question is the fungicides which are absorbed into the system of the plant. Fungicide absorbed in the plant and move to the remote site of the infection and are known as. वे कवकनाशी जो पौधे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उसमें संक्रमण हुआ है और उसका नियंत्रण करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? Give your answer.
Thanks, Ashish Raut. Heartily thanks for covering the important question. Yes, right. Yes. Yes, Anu is giving answer. Yes, Jat Saroj. Yeah, Jat Saroj. Jat Saroj, remember, option is the systematic. Then second one is the fungistatic. Then systemic. Then is the dresser. So, samajh ke answer dijiye. Yes, what is your right answer? Yes, Jat Saroj, yes, giving answer C. Kailash Kumar, Anu, yes, most of answer you giving is a C. Yes, जो आपका फंजीसाइड से इवन कोई सा भी इंसेक्टिसाइड से हर्बिसाइड से जो प्लांट के सिस्टम में पूरी तरह से फैल जाए वह आपका सिस्टेमिक फंजीसाइड या सिस्टेमिक पेस्टिसाइड आपका कहलाएगा. इस केस में आपका आंसर सी जाएगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट क्वारंटाइन मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन. पादप संगरोध कब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा. गिव योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स. The pathogen is a vector transmembrane. The pathogen is the windborne. The pathogen is the soil inhibitant. Yeah, the pathogen is the seed transmitted. किस केस में जो होगा पादप संग्रोध आपका सक्सेसफुल होगा. गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. वॉट इज योर राइट आंसर. द क्वेश्चन इज आस्क दैट द प्लांट क्वारंटाइन इज अ सक्सेसफुल व्हेन विच कंडीशन. यस नेहा मात्रा गिविंग आंसर डी. मनराज गिविंग डी. जर्नी ऑफ लाइफ डी. नेहा मात्रा डी. यस योर आंसर इज राइट. दैट इज द पैथोजन इज द सीड ट्रांसमिटेड और यू कैन से द प्लांट क्वारंटाइन इज द लीगल एक्शन. आपको अगर एग्जाम पूछ ले अगर आईडीएम या आईपीएम की बात करें तो लीगल जो एक्शन है वो एक प्रकार से प्लांट क्वारंटाइन के अंदर ले सकते हैं. और क्वारंटाइन का जो बेसिकली अर्थ निकलता है वह निकलता है 40 यानी 40 दिन का अर्थ निकलता है यहां पे. देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द Phyllodi is caused by Phyllodi. Phyllodi is a disease caused by bacteria, virus, fungus, or amylose. Amylose that are also a PLOS, mycoplasma. Yes. Yes, give your answer in comment box. Phyllodi disease is caused by yes. Mantras giving answer D. Ashish Raut, MLO. Yes, Anu is giving D. Yes, Jayant is a D. Generally of life also giving a D. Yes, your answer is right. That is the MLOs. Or as you know, Phyllodi is an important disease of the CCM. Phyllodi is an important disease of CCM. That is also known as the Til. Til ki ek mukhya rog ke roop mein jana jata hai. Which are the symptoms of the Phyllodi? Phyllodi ke case mein kya hota hai? Plants jo hota hai आपका सीसीएम का जो प्लांट है वह आपका स्टंटेड रह जाएगा. कैसे रह जाएगा? स्टंटेड रह जाएगा, बोना रह जाएगा. एंड देन साइड की जो ब्रांचेस होगी वह फैल नहीं पाएगी, वह उसके सटीक रह जाएगी. इट मींस द प्लांट अपीयर्स लाइक अ बूसी अपीयरेंस. प्लांट अपीयर्स लाइक अ बूसी, बूस जैसा दिखाई देगा, स्टंटेड रह जाएगा. और दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज द विचेस ब्रूम. That type of symptom is known as the witch's broom. That is also very important for the examination point of view. Witch's broom symptom produced in a witch disease or by the witch causal organism. So witch's broom symptoms are appear in the Phyllodi disease of a system, you can say, or it is a caused by the amylose or amylose causing the this type of a symptoms in a crop. Or most important, that is the vector of the Phyllodi of system, that is your leafhopper. Leafhopper, that is Orosius species, albicinctus, that is the leafhopper, which are the vector in this type of disease. Yes, which broom is your important symptom of the Phyllodi. Then we go on the next question. Next one is the which antibiotic was first time demonstrated by the Fleming in 1929. 1929 के अंदर फ्लेमिंग ने सबसे पहले किस प्रतिजैविकी की खोज की थी. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर. फ्लेमिंग डिस्कवर्ड विच एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड वाइड. यस गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज योर राइट आंसर. यस नेहा मात्रा गिविंग आंसर ए. ओ या नागारानी गिविंग आंसर ए. यस यस सुरेश यादव गिविंग आंसर ए. अमित कुमार ए. जनरी ऑफ लाइफ ए. यस योर आंसर इज राइट. दैट इज द पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंजाई इंक्लूड इन द ऑर्डर पेरनोस्पोरेल्स,
कॉज द डिजीज नोन एज, वह कौन सी कवक है जो गण पेरिनोस्पोरल्स में आती है, पेरिनोस्पोरल्स में आती है, वह पौधों के अंदर कौन सा रोग कोस करता है, दैट इज द रस्ट स्मार्ट पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर राइट आंसर। यस कार्तिक, पेनिसिलिन नोटोटम, यस यस, व्हाट इज योर राइट आंसर। पेरिनोस्पोरल्स कोस द विच टाइप ऑफ डिजीज इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर किस प्रकार की डिजीज कोस करेगा। यस नेहा मात्रा, गुड नेहा मात्रा गिविंग आंसर डी। यस आशीष राउत आल्सो गिविंग अ डी। यस सुरेश यादव, सुरेश यादव नॉट राइट। यस मनराज नॉट राइट। यस जारसरोस डी। यस नागारानी आंसर गिविंग डी। यस योर राइट आंसर इज अ डी, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज इज अ कॉज्ड बाय पैथोजेंस इंक्लूड इन द पेरिनोस्पोरल्स ऑर्डर्स। और आपको पेरिनोस्पोरल्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर जो आपकी कवक आती है उसमें आती है आपकी एक तो पीथियम, कौन सी आती है, पीथियम एंड फाइटोफ्थोरा, पीथियम फाइटोफ्थोरा एंड देन एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा एज यू नो दैट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस ऑफ द क्रूसीफार और यू कैन से मस्टर्ड। एंड देन अगेन आती है आपकी पेरिनोस्पोरा, पेरिनोस्पोरा पेरिनोस्पोरल से ही बना पेरिनोस्पोरा एंड देन आपका स्क्लेरोस्पोरा और एज यू नो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कॉजिंग अ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अ बाजरा और That is comes under the पेरिनोस्पोरल्स, ये पेरिनोस्पोरल्स के अंदर आती है। तो पेरिनोस्पोरल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे अगर अपन पिथियम की बात करेंगे दैट इज द कोजिंग ऑफ डैम्पिंग ऑफ, फाइटोफ्थोरा का अलग प्रकार का होगा, एल्ब्यूगो व्हाइट का आपको व्हाइट रस्ट का बताया, तो वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा उसमें आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जाएगा डाउनी मिल्ड्यू क्योंकि इसमें स्क्लेरोस्पोरा भी आता है और स्क्लेरोस्पोरा कोजिंग अ डाउनी मिल्ड्यू इन अ बाजरा, बाजरा के अंदर इसके द्वारा। यस अजमल हरीश का राइट। यस सुरेश यादव यू आर इम्प्रूव। यस Then the next question is the oyster mushroom is belong to the genus, oyster mushroom का जो genus होता है वह क्या है, Agaricus, Volvariella, Pleurotus या Gryphola। Giving your answer in a comment box, what is the right answer। Oyster mushroom belong to the which genus, कौन से genus से आपकी oyster mushroom belong करती है। Yes yes, वॉट इज योर राइट आंसर, ओस्टर मशरूम। यस नेहा मात्रा गिविंग आंसर ए, या नागारानी गिविंग सी, या सुरेश यादव गिविंग आंसर सी। यस जार सरोसी, यस यूर आंसर इज राइट, दैट इज द प्लूरोटस, प्लूरोटस जीनस जो है आपका ओस्टर मशरूम से बिलोंग करता है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, एगेरिकस जो है आपका व्हाइट बटन मशरूम है, कैसा मशरूम है, व्हाइट बटन मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम और दैट इज अ वेरी मच फेमस इन द इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड, आपके विश्व भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला जो मशरूम है वह आपका व्हाइट बटन मशरूम है जो एगेरिकस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से, न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से, न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से सबसे बेस्ट यानी सबसे ज्यादा पौष्टिक दृष्टि से या पोषक तत्वों से परिपूर्ण मशरूम आपका कौन सा होगा, तो दैट इज द प्लूरोटस मशरूम होगा जो आपका ओइस्टर मशरूम के नाम से भी जानते हैं। और ओइस्टर मशरूम इज आल्सो नोन एज द डिंगरी, दैट इज द कॉमन वर्ड और देसी वर्ड, दैट इज द डिंगरी, इसे अपन डिंगरी के नाम से भी जानते हैं। एंड देन अगर अपन वोल्वेरिया की बात करें तो दैट इज ए पेडिस्ट्रो मशरूम, ये किस प्रकार का मशरूम है जो पेडिस्ट्रो के ऊपर जो कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज मशरूम इज नोन एज द पेडिस्ट्रो मशरूम, दैट इज द वोल्वेरिएला। देन ग्राइओफोला इज अ डांसिंग मशरूम, इज आल्सो अ स्पीसीज ऑफ अ डांसिंग मशरूम, ये डांसिंग मशरूम के नाम से जाना जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द ये फोटोस है, दैट इज द एगेरिकस, एगेरिकस बिस्पोरस, दैट इज द व्हाइट बसन मशरूम, दैट इज द वोल्वेरिएला विच आर कल्टिवेटेड ऑन द पेडिस्ट्रो, दैट इज वोल्वेरिएला। देन दैट इज अ प्लूरोटस, और प्लूरोटस इज अ डिंगरी, इज लाइक दिस। And the Gryphola, Gryphola is a dancing type, so it is known as the dancing mushroom. Then the next question is the clam connection is found in which genera of the plant pathogen? Plant pathogen के किस genera के अंदर जो है आपका clam connection पाया जाता है? Give your answer in comment box. What is your right answer? Yes, Nagarani, your answer is right. Yes, clam connection is a found in a which genera? और वन मोर थिंग आई कैन एडिट हियर, क्लैम कनेक्शन भी बोल सकते हो, एक टर्म और आती है दैट इज द डोलीपोर सेप्टम, इट मीन्स क्लैम कनेक्शन एंड डोलीपोर सेप्टम या और डोलीपोर सेप्टम प्रेजेंट इन द विच प्लांट पैथोजन, किस प्लांट पैथोजन के अंदर ये होता है,
आशीष राउत करे पिथियम नो आल सेफली डी दे रहे हैं यस एग्री स्टडी गिविंग आंसर बी यस सुरेश यादव गिविंग अ करेक्ट आंसर दैट इज द स्टीलेगो इट मीन्स द क्लेम कलेक्शन और डोलीफोर सिम्टम प्रेजेंट इन द बेसिडियो माइकोटा के अंदर जो होता है क्लेम कनेक्शन एवं डोलीफोर सेप्टम होता है और बेसिडियो माइकोटा के अंदर आती है आपकी पक्सिनिया इट मीन्स जो रस्ट कोजिंग पैथोजन एंड देन सेकंड इज द अस्टीलेगो इज अ स्मट कोजिंग पैथोजन रस्ट एंड स्मट कोजिंग पैथोजन कम्स अंडर द बेसिडियोमाइसिटिस एंड दे हैव द क्लेम कलेक्शन और डोलीफोर सिम्टम और क्लेम कलेक्शन मीन्स द हुक लाइक स्ट्रक्चर क्लेम कनेक्शन क्या है आपका हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डाइकैरियोटिक सेल्स जो डाइकैरियोटिक सेल्स का मल्टीप्लीकेशन का कार्य करता है तो क्लेम कलेक्शन विच इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइकैरियोटिक सेल्स का मल्टीप्लीकेशन करेगा Then the next one question is, yes, Kresek phase symptoms found in plant disease. Kresek प्रकार के लक्षण पादप के किस रोग में पाए जाते हैं? Yes, give your answer in comment box. What is your right answer? Kresek type of symptoms present in which type of disease? Yes, option is your, yes, late blight of potato, black arm of cotton, bacterial leaf blight of cotton rice then leaf curl of chili yes suresh yadav yes you are right yes neha is right yes kailash kumaut is right journey of life is right thus your right answer is the bacterial leaf blight of rice or that is also known as the blb of rice or that is caused by the xanthomonas oryzae pv oryzae That is caused by a bacteria that is Xanthomonas oryzae, PV oryzae. The symptom Kresek means the wilting of plant. Kresek means the wilting of plant. That is the very much important symptom of this disease comes in examination. ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है Kresek लक्षण जो होता है किसके अंदर डेवलप होता है तो ये इन केस में आपका BLB of rice होगा Then the next question is the In which of the following fungi juice spores are formed inside the vesicles? Juice spores means the asexual reproduction in the peronosporals. Or as you know, peronosporals having the pythium, albugo candida. And phytophthora, sclerospora, peronospora. So in which type of a peronosporals having the juice spores formed inside the vesicles? कौन सा ऐसा आपका peronosporals है जिसमें जो juice spore, asexual spores जो होते हैं वो vesicles के अंदर बनते हैं? Give your answer in comment box. Yes, Suresh Adha giving answer A. Yes. Ashish Rao giving albugo candida, Chiranjeev Nagarani giving A. Jart Saroj giving a D, Kailash Kumar D, Journey of Life D. Yes, answer is not a D, answer is a A, Pythium. Pythium के अंदर जो होता है, juice spores जो होते हैं, वह vesicles के अंदर formed होते हैं. Then the next one is the, thank you okay. very much. So, we both would like to thank you all of that you joined us and cooperated us, supported us. और यह आज हमारा demo class था, यह आप... आपको कैसा लगा आप ग्रुप में जरूर बताइएगा और वन मोर थिंग आप सभी का जो हमने जो आपने ज्वाइन किया हमको तो हमको भी अच्छा लगा और हमारा आप बहुत अच्छा सा रिस्पांस आया इवन मेनी स्टूडेंट्स गिवन वेरी गुड रिस्पांस फॉर दिस कैंपेन एक्चुअली दिस कैंपेन वाज शेयर्ड विथ यू इन अ वेरी आई कैन से दैट इन एक्सीडेंटल वे बिकॉज हमारा भी यहाँ पे वर्क चल रहा था रिसर्च का एंड ऑल्सो दैट ARS एग्जाम हमारा था उसके बाद इवन वी वर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वी वर नॉट गेटिंग सो आवर सीनियर इज देयर ही इज ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट ओके एंड ही रन्स दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर सॉरी कुलदीप ठाकर सर ही इज़ द डायरेक्टर सो हम उनका बहुत बहुत थैंक्स करेंगे कि
हमने उनको बताया कि सर वी कैन डू द कैंपेन फॉर GRF SRF एंटोमोलॉजी स्टूडेंट, बट ही टोल्ड दैट हाउ द इट इज़ अ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ओनली वन सब्जेक्ट, बट हमारा लगातार स्टूडेंट्स का भी हमारे पास काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा था. इवन ड्यूरिंग द PG एज वेल एज इन PhD वी वर टीचिंग इन इवन कॉलेजेस ऑल्सो. सो उस टाइम से ही हमको स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे थे कि सर आप हमको गाइड करिए, हमको आप अच्छे से प्रिपेयर करवाइए इस एग्ज़ाम्स के लिए फ्रॉम मैनी ऑफ द स्टेट्स, फ्रॉम कर्नाटका, राजस्थान, MP, गुजरात, इवन साउथ ऑल्सो, केरला, ओके, एंड मैनी वेयर्स, वेस्ट बंगाल, ओके. सो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स. आप सब लोग जुड़े और आप सब लोगों ने हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. और सी हम अभी आपके लिए 3 दिन से अभी हम इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम रह रहे हैं. इवन वी वर नॉट वेंट टू अवर इवन रूम और इवन होम. सो हम यहीं पे हैं, आपके लिए पूरा कंटेंट लेके आ रहे हैं और अप टू द एग्ज़ाम, आपके लास्ट एग्ज़ाम टाइम तक हम बने रहेंगे यहाँ पे. और जब आपका 17 सितंबर को एग्ज़ाम होगा GRF SRF का, तब तक आपको हम अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे पूरा. और दिस वॉज अवर डेमो क्लास, आई होप दैट यू वुड यू लाइक दैट क्लास. और आपको इससे संबंधित कोई क्यूरीज भी होगी तो हम अच्छे से उसको इम्प्रूव करेंगे. और आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप इससे जुड़िए, ताकि अगर आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हमारा जो ऑनलाइन का एस्टिमेशन है वो हम कुछ कर सकेंगे सर के लिए. बिकॉज ही टोल्ड दैट यू इफ स्टूडेंट्स विल ज्वाइन ओनली देन ही विल गिव द परमिशन फॉर दिस सिस्टम, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड वेरी हाई क्वालिटेटिव. सो इट्स नीड्स मोर ऑफ द वाईफाई एज वेल एज द कैमरा एंड दिस डिस्प्ले सिस्टम एंड मैनी अदर थिंग्स. ओके, टू ऑफ द हियर इवन ऑपरेटर आर देयर विथ अस फॉर ऑल द 3 डेज. दोनों हमारे साथ ही बैठे हैं पूरे. हमको कोई कुछ कैमरा भी बंद हो जाता है तो फटाफट दौड़ के आते हैं और इवन स्लाइड के लिए वो हमको अरेंज करते हैं. तो इसलिए क्या है कि इसलिए हमने इसका फ़ी रखा है, बाकी हमारा पूरा सिस्टम फ्री है आपके लिए बिल्कुल. ऑलवेज वी विल गाइड यू इन अ फ्री ओनली, डोंट वरी. एंड यहाँ पे सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ. सुरेश यादव, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कवर्ड ऑल द पोर्शन, सो थैंक यू वेरी मच सुरेश एंड आशीष फॉर ज्वाइनिंग. यू पीपल आर गोइंग वंडरफुल जॉब, गुड लक. सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अहिर इज़ द बेस्ट, ओके, थैंक यू. एंड बहुत ही जोरदार थैंक यू सर कुल बोध एंड फॉर एक्सप्लेनेशन ईच क्वेश्चन आंसर ब्रीफली. और वन मोर थिंग आपके लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो प्लान है आपकी जस्ट फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए किया गया है, फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज आफ्टर 17th योर एग्ज़ाम इज़ देयर. सो हाउ द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू, सो वील डू दैट. एंड आफ्टर वर्ड्स विल इफ दिस कंपेन विल सक्सेस, सो दैट वी विल प्लान फॉर योर नेक्स्ट ईयर. सो इन दैट वी कैन टीच यू इन फ्रॉम इनिशियल वे. सो यू प्लीज़ लाइक दिस एज वेल एज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जूनियर्स. और हम आपको इवन वी आई एम टेलिंग द ट्रूथ दैट द हल्दर कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन यू कैन विजिट द साइट एज वेल एज अवर एप्लीकेशन सिस्टम, इवन द ऑफलाइन कैंडिडेट्स. दिस इज द लॉयल इंस्टीट्यूट इन राजस्थान, ओके. इसमें आपसे कोई भी प्रकार की चीट नहीं की जाएगी. जो आपसे कमेंट यहाँ पे किए जाते हैं, इवन दिस रन्स मेनली फॉर JET, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है राजस्थान में फॉर एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट एज वेल एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंड फॉर PG स्टूडेंट, PG एंड जो MSc में लेते हैं उनके लिए, एज वेल एज सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. लाइक अभी राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम आया है तो उसके लिए ये चल रहा है इंस्टीट्यूट. और हम पहली बार जो कि इस आपका GRF SRF का यहाँ पे कंपेन हमने चलाया है बिकॉज ऑफ द अवर इंटरेस्ट टू द एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट. तो बहुत हमको मतलब इस जो डायरेक्टर सर है उनका एक हार्ट फेल्ट थैंक्स एवन एंड मोर ओवर हार्ट फेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू जॉइंड कंटिन्यूसली 3 डेज विथ अस एज वेल एज आस्क्ड योर क्यूरीज एंड मैनी अदर थिंग्स. यू हैव कोऑपरेटेड अस, सपोर्टेड अस
और आपको मैं इवन आई विल प्रोवाइड यू द श्योरिटी दैट अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम हिंदी मीडियम और इवन यूनिवर्सिटी में भी वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट। इवन जब हम भी पढ़ते थे तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है विदाउट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और आइदर द एनी कंटेंट और ट्रिक्स वगैरह। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों के लिए, वो हमने फेस किया है तो हम आपके लिए वो चीज़ें जानते हैं। सो विल ब्रिंग ऑल द थिंग्स फॉर दैट एंड इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो दे शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट, वी विल टीच यू इन इवन इन इंग्लिश कम्प्लीटली। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि इवन इंग्लिश विथ हिंदी यू विल बी बेटर, यू विल गेन फॉर दैट एंड इन एग्ज़ाम यू विल ऑफकोर्स दैट इट विल बेनिफिटेड यू। सो लगातार हमारे पास कमेंट आते जा रहे हैं, निमेटोलॉजी भी करवा दीजिए, वो बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल ऑफकोर्स हम निमेटोलॉजी भी करवाएंगे आपके लिए, जो SRF कैंडिडेट हैं उनके लिए हम पैथोलॉजी भी करवाएंगे और सारा जो एंटोमोलॉजी का कोर्स है वो, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, और हम आपके लिए बहुत अच्छे से लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ आप ग्रुप में हमको टाइमिंग बताइए कल की, जो क्या टाइमिंग रहेगी, ताकि हम ग्रुप में आपके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हम आपके लिए लाइव आ सकें और आप इसको शेयर करिए, आप इसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपका कंटेंट अवेलेबल रहेगा। सो ये जो आपका डेमो क्लास था आपको कैसा लगा, इसके बेसिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं यदि आपको अच्छे से हमारे ऊपर बिलीव हो तो। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। डेमो अपना पूरा हो चुका है, 3 दिन का डेमो आपके सामने रखा था, आपने जज कर लिया होगा टीचिंग कैसी है, कैसा क्या मैटर है, कैसा क्या चीज़ है, वो सारे आपने जज कर चुके हो। तो आपको कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप सीधा हल्दर क्लासेस उदयपुर का जो ऐप का जो आपका लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और कंटेंट की बात करूँ मैं उसमें, तो कंटेंट जो है अभी 3 दिन हम डेमो में लगे हुए थे और कल से जो, कल मॉर्निंग से ही जो होगा आपका कंटेंट जो होगा ऐप के अंदर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो जिसने भी जो इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वे ऐप के अंदर अपना जो जो आपकी जो प्राइस रखी है उसको पे करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और जो अपनी अगली जो लाइव या जो भी होगा वो ऐप के अंदर होगा, बाद का यहाँ का यूट्यूब का अपन बाद में डिसाइड करेंगे। अभी जो है हम एक बार जो जिन्होंने कोर्स परचेस किया है उसके लिए टाइम देना चाह रहे हैं, तो कोर्स जिन्होंने परचेस किया उनका कोर्स अवेलेबल कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और आपका जो प्यार है, ये आपका जो लव है वो हमारे से ऐसा ही बना रहे और हम इस प्रकार के कार्य को और तेज गति से आपके सामने लाएं और आपको एज ए एंटोमोलॉजी को टू द पॉइंट जो है आपको लेके जाएं। जो एंटोमोलॉजी जो है अपन काफ़ी एक हार्ड सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, उसको आपको इजी वे में समझाने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा सके, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा जरूर, डेफिनेटली हम इस कार्य को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और आप इसी के साथ जो है मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम द माई साइड एंड फ्रॉम द कुलदीप साइड एंड फ्रॉम द हल्दर क्लासेस उदयपुर। आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय 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 बाय।